जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जीवना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जीवना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन यवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन यवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम ज्ञान विराम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई का ट्रांसलेशन नहीं है? तुम कर सकते ट्रांसलेट? नहीं कर सकते हो? क्यों? हाँ ये कर सकते हैं। ये कर सकता है? नहीं नहीं ये कर सकता। धीरे धीरे ना धीरे धीरे सीखोगे इसे बोलोगे तब तो सीखोगे। दीदी कर दोगे ना? ना ये कर सकते दीदी कर लेगी ना? हाँ आप पीछे ना बोल लेगी ये कर लेगी ये कौन ये बोल लाल लाल केली गोभी
अब तुम पीछे चले जा। ओम ज्ञान त्रिभुरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसि नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशहलिताकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद वर्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी का मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम सबके सब श्री अशोक जी के घर में हम सबके सब हरि कथा और हरि कीर्तन करने के लिए हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले जे दीन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते घर में जब भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, घर में हरि कथा हो, वो कहते हैं आपका घर घर नहीं रह गया। घर क्या हो गया बोले गृह ते गोलक भाय, आपका घर गोलक वृंदावन में गया है। और श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुताद्र कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की कथा हो कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वो सब के सब वहीं पर आकर के निवास कर लेते हैं। जहां पर ये हरि कीर्तन और ये हरि कथा जहां पर हो है, इसलिए मानो हम बैठ बैठ करके गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ में बैठ बैठ कर हमने यह नहा लिया। बल इतना नहीं कहते तो उससे भी ज्यादा फल है, क्योंकि अब हरिद्वार गए हो, अब हरिद्वार जाना देखना वहां लिखा हुआ सावधान
अंदर में ज्यादा गहरा पानी है, अगर थोड़ी आगे जाओ ना डूब कर मर जाओगे, इसलिए हर जगह में लिखा हुआ सावधान है। अगर गंगा पानी में ज्यादा अगर नीचे चले जाओ क्या होगा, मर जाओगे। लेकिन आपने कभी ये सुना कृष्ण कथा रूपी गंगा में गोता मत लगाओ? यहाँ कहते भैया जितने गोता लगा सकते हो, जितने डुबकी लगा सकते हो ना कथा रूपी गंगा में, उतना तर जाओगे, मर जाओगे नहीं, उसमें तर जाओगे। इसलिए कहते कृष्ण कथा रूपी गंगा में गोता लगाने का सबसे ज्यादा सौभाग्यवान है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, अगर कोई कथा रूपी गंगा में गोता लगाएगा ना, लगाते ही उसको फल मिल जाएगी तुमको। तब शंकर जी कहते हैं, पार्वती कहते प्रभु क्या फल है? कहते कथा रूपी गंगा में अगर कोई स्नान करेगा तो क्या फल है? शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती हैं, बोले मंजन फल दिखाई तत्काला काका होई पीक बका ओमराला, मंजन फल दिखाई तत्काला। कहते इसमें स्नान करने का झट फल मिल जाएगा। बोले क्या फल है? बोले काक होई पीक, कौवा देखे कि नहीं देखे हो? कौवा की रंग बताओ तो कैसे, बोलो कैसे? काला। और कोयल का रंग कैसे है? कोयल यहाँ है? यहाँ तो है नहीं, सुरिनाम में कोयल और इंडिया में कोयल है, हैं? इसलिए कहते भैया कौवा भी देखने में काले हैं और कोयल भी देखने में काले हैं। लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करते ही जो कौवा है ना, वो कौवा नहीं रह जाएगा, वो कोयल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? कौवा मतलब क्या? जो अगर कौवा बैठ कर यहाँ का 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 करने लग जाए ना, ले कब से का का कर रहा है, कान दर्द हो गया। लेकिन जब बसंत ऋतु में जब कोयल जब कूहती है, कितने मीठी लगती है, कुहू कुहू कितने प्यारी लगती है कोयल की आवाज। बोले इसका मतलब क्या है? कभी जो संसार की जो बात है ना, कभी कौवा की बात है। किसी व्यक्ति को पूछो हाउ आर यू, बोले ऑल राइट, बोले एकदम राइट नहीं सब रंग गई है, बोले कहते ओके। लेकिन जब फिर पास में बैठोगे ना, बोले कोई बच्चे से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी, देखना दुखी दुखी किसी व्यक्ति का दुख सुनो तो तुम्हारी खबर भी खराब हो जाएगी है। लेकिन ऊपर से बोलो हवा रूल ओके, मतलब कोई ओके नहीं, सब रंग ही रंगे है। इसलिए कहते जो संसार की बात है ना, ये सब कौवे की बात है। लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करता ही कहते कौवा नहीं रह जाता है और कोयल बन जाती है। कोयल मतलब होता है भगवान की कथा है, फिर वो दुनिया की कथा नहीं बोलता है, वो ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। और ठाकुर जी कथा में इतने मीठी वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान की तो सब कुछ मीठी मीठी ठाकुर जी की। इसलिए कहते हैं बोले अधरंग माधुर बदनंग माधुर चलितंग माधुर गमनंग माधुर माधुर दीपते राखिलंग माधुर। कहते भगवान की सारे चीज ही मधुर मधुर, सब चीज मीठी मीठी ठाकुर जी की। इसलिए कहते जो कौवा है ना, वो कोयल बनकर क्या करेगा, भगवान की कथा बोल सुनाएगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव वितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटेते कर्णा बुधेव स्प्रिया। कहते ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, अरे भगवान की कथा इतने मीठी दो ही कान क्यों दे दिया? कहते अगर करोड़ों करोड़ों कान दे देते ना, तब तो कथा सुनकर आनंद मिलता। बोले एक ही जीवा दे दिया ठाकुर का नाम लेने के लिए। बोले तुंडे तांडव वितनुते तुंडा बलि लब्धे,
कद अगर अर्बुद खरबुद अगर जीवा दे देते फिर तो ठाकुर जी का नाम लेकर हमें आनंद मिलता और हृदय में जब प्रवेश करता है कद मान रस की धारा एकदम हृदय में बरस रही है, रस की धार जैसे हृदय में जैसे बरसती है। इसलिए जब भगवान को आंखों में दर्शन करती हैं गोपियां कहती हैं बोले त्रुटि युगायते त्वांगम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ो दीक्षताम पक्षम की दृशाम। इसलिए गोपियां कहती हैं ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण जब गैया चराते हुए आते हैं ना, गैया चराते हुए जब शाम कहते हैं बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाते हैं और बंसी ध्वनि सुनते ही जितने गोपियां सब घर की काम काम छोड़ करके बाहर आ जाती हैं और घूंघट उठाकर कृष्ण को दर्शन करती हैं। उदाहरण देती हैं कृष्ण का मुख नहीं वो एक कमल है, हाँ? और उनका जो घुंघराली केस है बोले केस नहीं जैसे किसी कमल पुष्पों के ऊपर जैसे भौंरा जैसे होता है ना मधुमक्खी जैसे बैठे हुए हैं। कहते जो गैया का खूर से जो धूल उड़ा है कृष्ण का मुंह में लगा हुआ, कहते जैसे मान पाउडर लगाते ना हम लोग, हाँ जैसे स्नो पाउडर जैसे लगाते हो जैसे ये पाउडर का काम कर रहे हैं, हाँ? इसलिए कहते कृष्ण के जब दर्शन करते हैं दर्शन करते समय बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपस्यता, आंख का जो पलक झपती ना पता नहीं चलता है, इतने जल्दी आंखों का पलक झपती है लेकिन कितना समय भी गोपियों को लगता है त्रुटि जुगायते, मानो करोड़ जुग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर, त्वांग मपस्यता। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण, इसलिए बोले कौआ है ना वो कोयल बन जाते हैं, और बगुला बगुला देखे आप लोग यहाँ बगुला है कि नहीं, क्रेन यहाँ नहीं है बगुला नहीं है, हाँ यहाँ पर होगा है क्रेन बगुला यहाँ है नहीं किसी है, आप घर से बाहर नहीं निकलते बगुला है, और यहाँ पर हंस है कि नहीं स्वान है कि नहीं, हाँ हंस है, ये बगुला भी देखने में सफेद है और हंस भी सफेद, दोनों देखने में सफेद है, सफेद समझते हैं व्हाइट दोनों देखने में, लेकिन जो बगुला है ना वो क्या ढूंढता है गंदी गंदी चीज खाता रहता है, मछली छोटी छोटी और कीड़े मकोड़े वही ढूंढता रहता है, लेकिन हंस क्या करता है बोले हंस मानस सरोवर में जो कमल का जो मधु है ना उसको पान करता है। इसका मतलब है अगर जो व्यक्ति अगर कथा रूपी गंगा में कोई स्नान करेगा तो जैसे बगुला कीड़े मकोड़े खाते हैं, मतलब हम दिन भर गंदी गंदी चीजों में मुंह मारते रहते हैं, दुनिया की निंदा चुगली इधर उधर चीज में मुंह मारते हैं, अगर कथा रूपी गंगा में गोता लगाएगा तो फिर इस चीज में मुंह नहीं मारेगा, फिर भगवान की कथा रूपी मधुओं को पान करेगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़ी किस्मत वालों को सत्संग मिलता है, लेकिन शंकर जी गाली देते हैं बोले कथा में कौन नहीं जाते हैं, वो गाली देते हैं कहते जो एकदम कुटिल खाल कामी गधे सुअर कुत्ते ये सब के सब कथा में नहीं जाते, हम नहीं जावे अभागा, शंकर जी कहते हैं ये सब के सब अभागा है, जो इनकी कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती है भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, दुनिया की कोई बात हो ना कोई हीरो आ जाए देखना यहाँ बिना बुलाए सबके सब पहुंच जाएंगे, कोई हीरो ही नहीं आ जाए देखना बुलाने की जरूरत नहीं सबके सब वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जब हम सबके सब भगवान की कथा में हम लोग आए, ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए हम आए हैं। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे राय रामानंद संवाद सुन रहे थे, महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं रामानंद को बताओ जीव का लक्ष्य क्या है। इसलिए कल हम सुनते सुनते आए थे जब उन्होंने भक्तों का संग बताया महाप्रभु बोल ये है, हाँ अभी तुम लाइन पर आ गए हो क्योंकि बिनु सत्संग
विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश हुई। जब तक जीव भक्तों का संग नहीं करते हैं तब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है भगवान की भक्ति नहीं करता है। इसलिए बोले एक घड़ी आधी से पुण्य आज तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। जब सत्संग की महिमा बता बोले हाँ, फिर इसको आगे और बोलो सत्संग में आगे, फिर इसको आगे बोलो। तब उन्होंने बोले जीवन में जो लक्ष्य है प्रेम भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जब उन्होंने प्रेम भक्ति को जीवन का लक्ष्य बोले तो महापुरुष बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हाँ, बोले ये जीव का साध्य है, हाँ? प्रेम भक्ति ही जीवन का साध्य है। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान को पाने के लिए उपाय क्या है। यद्यपि ज्ञान है, योग है, कर्म है, लेकिन भगवान ज्ञान योग कर्म से ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं बलना साधयन्ते माम सांख्यम, न ज्ञान धर्म उद्धव न साधये तपस्त्याग जता भक्ति ममर्जिता। भले है उद्धव, मेरे को ज्ञान कर्म योग तपस्या मेरे को ये वशीभूत नहीं कर सकता है। जता भक्ति ममर्जिता, केवल भक्ति को द्वारा ही मैं प्रसन्न होता हूँ, और किसी चीज को द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। और भक्ति एकदम सबसे सरल मार्ग है, भक्ति जैसे सरल मार्ग कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरहित अस्नामि प्रजतात्मना। अगर मेरे कोई प्रेम पूर्वक भगवान चार चीज का नाम लिया है, पत्र पुष्प फल और जल, ये जो चार चीज का भगवान नाम लिया, बोले जो बिना पैसा में मिलता है, मतलब अगर कोई सोचे अरे भगवान खुश करने के लिए बहुमूल्य कोई चीज हो ना तब भगवान को दे तब खुश हो, बोले नहीं। ठाकुर जो चार चीज का नाम लिया जो बिना पैसा में, जो चीज बिना पैसा में मिलता है, हाँ? भगवान केवल प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए बोले पत्रम, भगवान बोले पत्ते से खुश हो जाते हैं। ठाकुर जी पत्ते में कहां पर खुश हो, जब ठाकुर जी कृष्ण जब दूत बनकर गए, शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को बोले पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा कोई चीज जरूरत नहीं। बोले 5 गांव की बात बता रहे हो, बगर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी देने के लिए तैयार नहीं, 5 गांव की बात बता रहे हो। और दुर्योधन सोच रहा था, वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर मिस्त्रियों को बुलाया, बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन बना कर रखा था, सोचा ये भोजन देकर ना किसी को खुश कर दूंगा, हाँ? बोले चलो कन्हैया भोजन करो, फिर बाद में बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो एक आदमी 3 जगह पर भोजन करता है। बोले कहाँ कहाँ पर, बोले अगर कोई मित्र हो फिर भोजन कर लेगा। बोले क्या मैं आपका मित्र नहीं, बोले मेरे भक्तों का जो मित्र वो मेरा मित्र है, मेरे भक्तों का जो शत्रु वो मेरे शत्रु है, पांडव मेरे भक्त हैं तुम उनका शत्रु, इसलिए उनका शत्रु मतलब तुम मेरा शत्रु है, इसलिए तेरे घर में नहीं खाऊंगा। तब भी कोई व्यक्ति भोजन करेगा अगर कोई भूख लगे, भैया जो कुछ हो लिया की बात में भूख लग रहा, लेकिन मैं आत्माराम आप तक आऊ मेरे को तो भूख है ही नहीं, हैं? इसलिए वह अभी मैं खा नहीं सकता हूँ। तीसरे जगह पर खाता है जिस काम के लिए आप जाओ, अगर वो काम तुम्हारी बन जाए, बोले भैया जो काम के लिए आए काम बन गया, अच्छा भोजन कर लेते, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। बोले कहीं खाओगे, बोले जहां इच्छा खा लूंगा। फिर ठाकुर जी विदुर जी को घर में जाते हैं, हाँ? उस समय विदुरानी विदुर बाहर गए हुए थे, ठाकुर जी को क्या खिलाएगा, ठाकुर जी को क्या खिलाएगा, देखा केले हैं, केले ला करके छिलका खिला रही और केले फेंक रही थी। जब विदुर जी आए बोले क्या कर रहे हो पागली, ठाकुर जी को छिलका खिला रहे हो, वो तो एकदम प्रेम में दीवानी बनी गई थी, पता नहीं उसको क्या खिला रहे नहीं खिला रहे उसको पता ही नहीं थी। फिर जब ध्यान आया, जब केला खिलाना शुरू की ना, कृष्ण ने कहा विदुर पहले केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था ना, वो केले में आनंद नहीं आता, इसलिए मैं केला भी नहीं खाता हूँ, छिलका नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही खाता हूँ, हाँ? इसलिए और कभी कभी कहते हैं विदुर घर में प्रभु साग भाजी खाए, हाँ? साग भाजी ठाकुर जी खाए। इसलिए बोले पत्रम पुष्पम,
बोले फूल अगर थोड़ी दे दो उसमें खुश हो जाते, बोले किस चीज ने दिया, बोले हाथी ने गजराज। जब मगरमच्छ के साथ में हाथी की युद्ध हो रहा था, मगरमच्छ पकड़ करके धीरे 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 खींचते खींचते ले जा रहा है, नाक तक जब पानी आ गया क्या करेगा, उसने एक फूल लेकर के केवल ठाकुर जी को दे दिया। भगवान चक्र पे भेज करके उसने हाथी को मार डाला। पत्रम पुष्पम फलम, फल को द्वारा किसने खुश कर दिया, बोले सबरी ने। भगवान जब राम गए, सबरी पहले झूठा बेर खा करके ठाकुर जी को खिला रही थी। राम बोले तुम्हारे झूठे बेर में जो आनंद आया वैकुंठ में भी वो आनंद मुझे नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर भगवान और तोयम, तोयम मतलब होता है पानी। भगवान कहते हैं अगर भक्ति पूर्वक अगर कोई भी थोड़ी चीज कोई दे दे, लेकिन उसमें क्या मिली होनी चाहिए, उसमें भक्ति मिलनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं हो भले ही तुम छपान भोग 36 व्यंजन दे दो, जैसे दुर्योधन ने क्या क्या भगवान खिलाने के लिए बनाया, लेकिन ठाकुर जी कोई चीज को ठाकुर जी ग्रहण नहीं है। इसलिए मूल है भगवान केवल प्रेम की, ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान कैसे केवल प्रेम की कैसे भूखे, उन्होंने बहुत उन्होंने उदाहरण दिया। बोले व्याधस्याचरणम की, अगर कोई बोले अरे भक्ति करने के लिए कोई बढ़िया आचरण होनी चाहिए ना, सदाचार होनी चाहिए, तब तो भक्ति कर सकते हैं। उदाहरण दिया भैया वो बेहलिया का क्या आचरण था, जो जानवर को मार करके आधा मार करके छोड़ देता था और जानवर छटपट छटपट करते थे और उसको देख देख कर खुश होता था। लेकिन नारद जी जब वहां पर पहुंचे, नारद जी बोले भैया ये सब क्या कर रहे हो, मारना था जान से मार दो। बोले नहीं, हमारा पिताजी हमें सिखाया, जब किसी जानवर को आधा मार देते ना चटपट करते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन ऐसे जान ऐसे व्याध कभी श्री नारद जी उनको भगवत मंत्र प्रदान की तो इतने बड़े संत बन गए। अगर कोई बोले बोले भैया कोई विद्या हो तभी तो ठाकुर मिलेंगे, बोले भैया ये हाथी ने कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिया था, उसने तो ठाकुर के बोले फूल दे दिया ठाकुर जी इसी में खुश हो गए। अगर कोई बोले भैया भक्ति करने के लिए बहुत सारी धन होनी चाहिए ना, तब तो ठाकुर खुश होंगे। बोले भैया विदुर के पास में हमारी ये सुदामा के पास में कौन सा धन था, ठाकुर जी के पास में जब गए दो मुट्ठी को चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ नहीं और मत खा। महाप्रभु सिद्धर के पास में जाते थे, चैतन्य भागवत में आता था ना, वो केला केले के पत्ते केले के फूल बेचता था। महाप्रभु तो रोज रोज लड़ाई करके उससे लाते थे, बोले पैसा नहीं दूंगा बढ़िया चीज दूंगा तेरे से। रोज रोज महाप्रभु उसको साथ में लड़ाई करके श्रीधर से वस्तु ला करके रोज रोज महाप्रभु खाते हैं। इसलिए अगर कोई बोलेगा भैया ज्यादा उम्र हो जाएगा सब तो भजन करेंगे, अभी बचपन में क्या भक्ति करेंगे, बोले भैया ये ध्रुव प्रहलाद का क्या उम्र था, इन्होंने 5 साल उम्र में भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए भक्ति उम्र के लिए भी कोई अपेक्षा नहीं करता है। अगर कोई बोले भैया तुम्हारे अंदर में कोई ज्यादा ताकत होगा तब तो भगवान में भक्ति कर सकते हो, बोले भैया उग्रसेन के अंदर में क्या ताकत था, उसको पिता उसको तो बेटा उसको एक बंदी साल में डाल दिया था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, भगवान केवल प्रेम के ठाकुर जी भूखे हैं, केवल ठाकुर जी भाव की ठाकुर जी भूखे हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महाप्रभु बोले भैया ये अच्छा बात होता यार, उत्तम बात, बोले और आगे की बात थोड़ी बता है, लेकिन भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के भी कुछ कैटेगरी होता है, भक्ति के भी कुछ सोपान होती है। इसलिए आगे और कोई भक्ति हो धीरे धीरे भक्ति की बात आगे की बात बताओ। फिर उन्होंने भगवान की फिर उन्होंने दास्य रस की बात बताई। बोले भक्ति में उसमें 5 सीढ़ियां हैं, पहले शांत है, उसके बाद में दास्य है, उसके बाद में सख्य है, उसके बाद में वात्सल्य है, और उसके बाद में मधुर। ये 5 रस है, ये पंच रस से भगवान की भक्ति की जाती है।
देखो अभी ध्यान देकर सुनो, ऐसे नहीं केवल बैठे। एक रस से दूसरे रस क्यों श्रेष्ठ है, दूसरे से तीसरे रस क्यों श्रेष्ठ है, तीसरे से चौथे रस क्यों श्रेष्ठ है, अभी ये चीज को राय रामानंद बता रहे हैं। देखो ये चीज अगर नहीं समझेंगे ना, बोले अरे भक्ति करो किसी तरह से, जिसको कैसे जैसे इच्छा हो करो, कर नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद्यपि ये पंच रसों के द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन जब हम तटस्थ होकर के, जब हम बीच में रह करके जो विचार करेंगे ना, फिर देखेंगे सबसे जो श्रेष्ठ रस है ये गोपियों ने जैसे भक्ति की, इनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते महाप्रभु जगत में, महाप्रभु का क्या सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए, महाप्रभु का क्या सिद्धांत है, महाप्रभु का उन्होंने एक श्लोक में, महाप्रभु जो चीज जगत में देने के लिए आए थे, महाप्रभु हमको जो चीज देना चाहते हैं, उन्होंने एक श्लोक में बोल दिए, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, बोले हमारे इष्ट कौन है, यद्यपि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान का अनंत अवतार अनंत महिमा है, लेकिन हम जिन्हें को आराधना कर रहे, कौन सा किसको आराधना कर रहे, बोले कृष्ण को, लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, कितने है कृष्ण, तीन है। देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो, नहीं तो हम कुछ कोई चीज हम नहीं समझेंगे पहले। इसलिए भले तीन कृष्ण कैसे हम जानते, भाई कृष्ण एक है, वो कृष्ण फिर तीन कैसे, बोले एक ही कृष्ण जब द्वारका में होते हैं कृष्ण ही पूर्ण होते हैं, वही कृष्ण जब मथुरा में होते हैं वो पूर्ण तरह होते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं और रस को तरह, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं ना, भले पूर्णतम होते हैं कृष्ण, एक ही कृष्ण है। हाँ इसका कारण क्या, बोले कारण है मथुरा में कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं ना, उनको सबके सब स्तुति स्तव वंदना करते हैं, ये हमारा प्रभु है। हाँ उनकी सबके सब जय जयकार करते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन वही कृष्ण वो संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त कृष्ण है, सबके सब कृष्ण को भगवान अपना को सेवक मानते हैं, लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में होते हैं ना भगवान कृष्ण, वहां पर आधा ऐश्वर्य है और आधा माधुर्य है। आधा लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन मानने पर भी नहीं, हमारा पिता है, हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है, हैं? इसलिए उनको ऐश्वर्य जो बुद्धि में भजन भी करते हैं और उनको माधुर्य, आधा उनको आधा ऐश्वर्य और आधा माधुर्य है। लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं उनको कोई भी भगवान नहीं मानते, उनको कोई भगवान नहीं मानते, कोई मानते ये तो हमारे दोस्त यार है, दोस्त है, कोई बोलता है ये तो हमारा बेटा है, कोई बोलता है ये तो हमारा प्रियतम है, उनको कोई उनको भगवान नहीं बोलते हैं, सबके सब कृष्ण को आदेश देते हैं, कृष्ण झूठन खाते हैं। इसमें यही चीज बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण तीन कृष्ण हो गए ना, एक मथुरा के और एक द्वारका के और एक वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में भी तीन कृष्ण है, कितने कृष्ण है वृंदावन में भी तीन कृष्ण है। यही चीज अभी राय रामानंद यही चीज को बता रहे हैं, वृंदावन में कृष्ण रहते हुए भी कृष्ण वहां तीन कैसे कृष्ण है, यही चीज अभी हम जो डिस्कशन करेंगे ना, यही चीज को हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये जो चीज है ना, ये साधारण वस्तु नहीं, यही इसलिए बोला आराध्य भगवान ब्रज सतनय, हम किसको आराधना कर रहे हैं, यद्यपि कृष्ण तीन है, हम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को आराधना कर रहे हैं। हाँ? बोले भैया वो रहते हैं कहाँ पर, बोले यद्यपि कृष्ण द्वारका में भी रहते हैं और कृष्ण मथुरा में भी रहते हैं और कृष्ण वृंदावन में भी रहते हैं, बोले हम द्वारका से कृष्ण को पूजा नहीं करने और हम मथुरे से कृष्ण को पूजा नहीं कर रहे, किसको, कौन कृष्ण को भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन। बोले राम इसलिए आराध्य भगवान ब्रज सस्तन्य धाम वृंदावनम, हम वृंदावन कृष्ण को पूजा करने वाले हैं, द्वारकाधीश मथुरे से कृष्ण नहीं, लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण वो भी तीन है, वहां पर तीन कृष्ण है, लेकिन वहां पर जो तीन कृष्ण है, बोले तीनों कृष्ण में एक सखे रस का है, एक बात्सल रस का है और एक मधुर रस के हैं,
लेकिन वो तीनों कृष्ण में कौन सा कृष्ण को उपासना कर रहे हो? कहते ब्रज बधु बरगे न जा कल्पिता, ब्रज गोपियों ने जो कृष्ण की उपासना की है हम वो कृष्ण को उपासना कर रहे हैं। इसलिए हम गुरुदेव ने हम जो मंत्र दिया ना, जो हमको गोपाल मंत्र, उसमें कृष्ण गोविंद और गोपी जन वल्लभ ये तीन नाम है ना? उसमें तीन नाम है, इसमें एक संबंध है, एक अविध है और उसमें एक प्रयोजन है। संबंध, अविधय और प्रयोजन। इसलिए हमारा प्रयोजन कौन है? बोले गोपीनाथ है। प्रयोजन कौन है? ये गोपीनाथ हमारा प्रयोजन। अभी अच्छे तरह से चीज को समझो, ठीक है ना, दिमाग में अच्छे तरह से बैठा लो। बहुत बार सुने होंगे तब भी देखो राय रामानंद क्या बताना चाह रहे हैं। ये चीज अच्छे तरह से ना समझ जाओगे, समझना, फिर हम महाप्रभु को लाइन में जो हम आए ना, हमारा जीवन धन्य हो गया। फिर मैं आपको पूछूंगा कथा के बारे में क्या क्या फर्क है। हमारी राय रामानंद सर्वश्रेष्ठ कहां पर लेकर के जीव को पहुंचा रहे हैं, हाँ? यही चीज आज हम लोग समझेंगे। इसलिए जब उनको बोले भले भैया आगे बोलो, तो उन्होंने बोले दास्य रस को उन्होंने स्थापन किया है। बोले जब नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्मलम तम दास्य बद्ध की मां अवशिष्यते। वहां पर ये बता रहे हैं भगवान को जो भगवान मान करके, अपना को जो सेवक मान करके भक्ति करते हैं, कहते उसको दास्य रस कहते हैं। भगवान प्रभु और हम उनका सेवक हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो कि श्लोक उद्धृत उन्होंने किया, बोले श्लोक कहाँ के, बोले जिस समय अंबरीश महाराज एकादशी व्रत रखे थे, अभी दूसरे दिन पारण करते हैं ना, अभी पारण करने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। तो अंबरीश महाराज बोले बहुत भाग्य है, क्योंकि नियम है एकादशी को दूसरे दिन अगर किसी भक्तों को भोजन करा के अगर को एकादशी व्रत को खोले ना, उसको समझो पूरा फल मिलता है। साधु को खिला करके जब हम कोई व्रत खोलते हैं उसमें समझो पूरी फल मिल जाता है। साधु को खिला करके बोले आज अहो भाग्य, आज मैं व्रत खोलने जा रहा था, घर में साधु आ गए, बोले आपको जाओ अब स्नान करके आओ, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। जब स्नान के लिए गए, इधर टाइम निकलते हुए जा रहा था व्रत का समय, उन्हें बोले भैया क्या करनी चाहिए, ब्राह्मण का परामर्श लेकर के, बोले आप तो निर्जला व्रत रखे थे, चरणामृत ले लो, थोड़ा पानी से खुल जाएगा। जब खोले दुर्वासा का जो पता चला, वो तो साधारण थे नहीं, बड़ा जोगी, बड़े क्रोधित होकर के आए, बोले मेरे को निमंत्रण दिया और बगैर खिलाए तो मैंने खाना खा कैसे खा लिया, जटा से हाँ एक बाल उखाड़ कर फटक दिया तो वहां एक राक्षस प्रकट हो गया और उनको भेज दिया मारने के लिए। लेकिन वो तो शरणागत भक्त है, ठाकुर जी के चरण में वो दास्य रस के भक्त है ना? भगवान को भगवान, अपना को सेवक मान करके वो एकादश इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करते थे। सवई मन कृष्ण पदार बिंद, मन को ठाकुर जी के चरण में, दोनों हाथों से ठाकुर जी की सेवा, कानों से भगवान की कथा सुनना, आंखों से भगवान की मूर्ति दर्शन करना, सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। ये भगवान का सेवक है, हाँ? इसलिए इतने में वो तो पूर्ण शरणागत है भगवान के चरण में, उनको रक्षा सुदर्शन चक्र कर रहा था, सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, प्रकट होकर ना झट उसने राक्षस को मार दिया और उल्टा उन्होंने जो दुर्वासा जी उसको पीछा किया, फिर तो मारे मारे भगे। पहले ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी ने रक्षा किए, शंकर जी को पास में गए, शंकर जी ने रक्षा किया, बोले भैया जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो हमारा ब्रह्म पद और सी पद खत्म हो जाएगी। ये सुदर्शन चक्र आ रहा है जिनसे कोई नहीं पार पा सकते। बोले हाँ हम तुम्हें एक परामर्श दे सकता हूँ, जिनका चक्र उनको पास में जाओ। जब उन्होंने भगवान को पास में गए, भगवान ने कहा देख बेटा अगर कांटा अगर पैर में गड़ जाए ना, सर में नहीं निकलता, इसलिए तुमने मेरे भक्त के चरण में अपराध किए। और जानते हो ये संत क्या कौन होते हैं? तो बोले साधव हृदय मुझ्यम, साधु नाम हृदय, मैं तो संतों का हृदय में रहता हूँ और संत मेरे हृदय में रहते हैं। तुमने मेरे पास में माफी मांगने के लिए आए ना, माफी तो हृदय से करते हैं, लेकिन हृदय तो मेरे पास में है ही नहीं, हृदय तो ये अंबरीश को पास में। और ये जानते हो संत लोग
क्यों मेरे इतने प्रिय हैं, ये लोग मेरे सुख के लिए सारा दुनिया स्त्री पुत्र परिवार सबको त्याग देते हैं मेरे सुख के लिए। जो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, हाँ बताओ उनको कभी मैं छोड़ सकता हूँ। इसलिए अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव दीय, मैं एकदम संतों के प्रेम में संपूर्ण में अधीन हूँ। भैया मैं नहीं माफ कर सकता, जाओ दुर्वासा जी के फिर अम्बरीश के पास में जाओ। जब अम्बरीश के पास में गए ना, ऐसे घूमते घूमते एक साल हो गया, लेकिन अम्बरीश अभी भी भोजन नहीं किया। बोले क्यों? बोले मेरे घर में एक साधु आए, उनको तो खिला ही नहीं पाया, उल्टा उनको कहाँ कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब भागते भागते फिर उनके पास में आए, फिर उन्होंने उल्टा उनको प्रणाम किया और चक्र को बोले हे सुदर्शन चक्र, अगर हमने कोई पुण्य की है आप शांत हो जाओ। बोलते ही चक्र उनसे वापस चला गया। उसी समय में ये दुर्वासा जी इस लोग कह रहे हैं, बोले भैया आज मैंने ये संतों का महिमा को देखा है, मैंने भगवान का भक्तों का महिमा को आज हमने देखा है। इसलिए कहते हैं बोले जन्नाम शक्ति मात्र न पुमान भगवत निर्मल। कहते भगवान, हम कहते हैं ना नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाख्यम सबाया अभ्यंतर सुची। भगवान पुंडरीकाख्य का जो नाम लेते हैं बाहर भीतर से दोनों से वो पवित्र हो जाते हैं, हैं? इसलिए जन्नाम श्रुति मात्र ना, अगर किसी तरह से भगवान का नाम कान में पड़ जाए, हैं? कान में पड़ जाए, कहते हैं सुपाक अभि महिपाल, हाँ बोले मधुरम मधुरम मितत मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया लयवा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। जो कृष्ण का नाम है कहते मीठे से मीठे है, मधुर से भी मधुर है, हाँ और मंगल से भी मंगल है। सक्री एक बार, श्रद्धा नहीं तो हिला पूर्वक एक बार अगर ठाकुर का नाम उच्चारण हो गया ना, तो नर मात्र तारे प्राणी मात्र का ही वास उधार हो जाता है। किसी तरह से ठाकुर जी की नाम निकल जाए, अजामी ने कितने पाप किया, लेकिन अंतिम समय में एक बार बेटा नारायण का नाम निकला, बस सारे पाप से मुक्ति हो गई, सारे पाप से। वाल्मीकि कितने पाप की, बोले राम राम बोलो, बोले राम राम नहीं मरा मरा बोल सकता हूँ, उल्टा नाम जपित जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, इतने भगवान के नाम में शक्ति है। इसलिए बोले जन्नाम श्रुति मात्र न पुमान भवत निर्मल, जिनकी नाम सुनते ही व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तस्य तीर्थपद दासा नाम की बा अवशिष्यते, उनका जो सेवक बन जाते हैं ना, उनका जो भक्त बन जाते हैं, जगत में उनका क्या अप्राप्त रह जाता है, सब मिल जाता है जीवन में। जो भगवान के सेवक हो गए जीवन में उसको सब कुछ, बोले तीर्थ पद भैया संत लोग को ये तीर्थ में क्यों जाते हैं, संत लोग तीर्थ जाते हैं स्नान के लिए ना, बोले भैया संतों को जरूरत नहीं तीर्थ जाने का, क्योंकि ठाकुर तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं। सारे तीर्थ कहाँ से निकलती है, ठाकुर का चरण से तीर्थ निकले, और ठाकुर तो संतों के हृदय में बैठे हुए, पर ये संत लोग तीर्थ क्यों जाते हैं, बोले तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी, बोले संतों में इतने शक्ति है, जो पापी लोग आकर के तीर्थ में स्नान करते हैं सारे पाप छोड़कर चले जाते, लेकिन अभी ये तीर्थ पवित्र कैसे होगा। कहते संतों में इतने शक्ति, संतों का चरण स्पर्श होते ही ये तीर्थ का सारे पाप को संत लोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर तीर्थ को फिर तीर्थ बना लेते हैं। बोले तस्य तीर्थ पद की दासा नाम अवशिष्यते, ऐसे सारे तीर्थ जिनको चरण में निवास करते हैं, हाँ इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष ए तीन साधन निर्बल। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अगर सबसे जल्दी कोई प्रेम पाना चाहते हो, जीवन का लक्ष्य है ठाकुर का प्रेम, बोले अगर सबसे जल्दी से जल्दी कोई प्रेम पाना चाहते हो, बोले सबसे सरल उपाय क्या, बोले तीन सबसे सरल उपाय, एक भक्तों का चरण धूली, दूसरा भक्तों का चरणामृत, तीसरा भक्तों का अधरामृत। कहते ये तीन चीज जितने जल्दी भगवत प्रेम प्रदान करता है और कोई नहीं प्रदान करता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
बोले ठाकुर भई स्नबापदा अवनिरासो सपदा सुना भाई हैया एक माना तीर्थ जल पवित्र गुने लिखिया चे पोरारी से सब भक्तिर प्रबंध ना से सब भक्तिर प्रबंध ना ठाकुर वैष्णव पद अब निरासो संपद सुन भाई हैया एक माना नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं बोले भैया शास्त्र में जो लिखा हुआ ना सारे तीर्थ में घूमा और मुक्ति हो जाएगी बोले वंचना है कहते से बेकार बात है तीर्थ जाने से हाँ थोड़ी सी दूर पाप होगा फिर अगर दोबारा पाप करोगे लेकिन बोले वैष्णव का जो चरण धूलि है पृथ्वी का सारे तीर्थ संतों का चरण धूलि में बैठा हुआ है अगर तुम सबसे जल्दी से जल्दी अगर प्रेम पाना चाहते हो संतों का चरणों का आश्रय कर लो भक्तों का चरणों का आश्रय कर लो जल्दी जल्दी तुम्हारे उद्धार हो जाएगी। हाँ इसलिए तस्य तीर्थ पद दासा नाम किम वा अवशिष्यते ऐसे जो भक्त हैं मतलब भक्तों का जगत उनको जो अगर भगवान की भक्त बन गए जीवन जीवन में सब कुछ मिल गया सब कुछ उसको मिल गया जीवन में जो भक्त मिल गए इसलिए हमारे भक्त कहते हैं बोले भैया हम तो भक्तों का दासों का दासों का दासों का दास बनना चाहते हैं तस्य भृत्य 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 भृत्यस्य भृत्य अगर हम संतों का दासों का दास बन गया ना तुम्हारे सारे काम हो गया है हाँ जीवन में तुम्हारी सारी काम हो गया अगर तुम संतों का दासों का दास बन गया तो इतने भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है कहते ऐसे जो दास्य रस है भैया इसका आदर्श कौन है कहते इसका आदर्श कौन बोले हनुमान जी का आदर्श है इसलिए बोलते है ना बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना भक्ति मिले ना हनुमान के बिना मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना भक्ति मिले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना श्री हनुमत लाल की। इसलिए दास्य रस में प्रमाण श्री हनुमत लाल जी है इतने भगवान की दास्य में इतने ठाकुर जी के प्रेम इतने हनुमान जी उनको सेवा की आप लोग सब जानते हो हनुमान जी कैसे प्रभु की सेवा की है अगर कहीं जाना हो ना कोई विमान की जरूरत नहीं हनुमान जी राम लक्ष्मण कंधे पर बैठा देते और आकाश में उड़ते हुए चले जाते हैं ठाकुर जी कहीं बैठे हुए भैया आकाश खुला हुआ छाया चाहिए अपना पूछ से छत्र बना देते हैं हनुमान जी कहीं उनको गर्मी लग रहा है हवा देना बस अपना पूछ से ठाकुर जी का हवा कर लेते हैं हनुमान जी है इसलिए जिस समय माता सीता को उधार करके ले आए भगवान राम इतने प्रसन्न हो गए बोले बेटा उन्होंने रामचंद्र सबको एक के त्याग बोल चले जाओ विभीषण को बोल दिया भैया जाओ अपना राज्य संभाल लंका संभाल सुग्रीव को बोले भैया जाओ तुम अपना किष्किंधा संभालो जांबवंत को बोल दिया भैया तुम जाओ अपना राज्य संभालो उन्होंने एक एक सबको भेज दिया लेकिन हनुमान जी को भेजा कहीं हनुमान जी को नहीं भेजा हनुमान को कहीं नहीं भेजा बोले क्यों बोले कारण है उसको राम को छोड़कर और कोई है नहीं शादी नहीं किया जीवन में ब्रह्मचारी है बीवी बच्चे है नहीं राज्य नहीं है अगर सब कुछ हो तो राम की चरण है की सब कुछ राम की चरण है इसलिए केवल उन्होंने हनुमान रखकर सबको उन्होंने भेज दिया
आओ मैया सीता इतने खुश हो गए, बोले बेटा हनुमान अगर तू नहीं होता ना मैं तो कभी लंका से उधार नहीं हो सकता था, इसलिए तेरे पर मैं सबसे खुश हूँ। मैया सीता ने गले में जो सबसे कीमती हार था उन्होंने उतार करके श्री हनुमान को दे दिया, बेटा लो सबसे कीमती चीज मैं तुमको दे रहा हूँ। हनुमान जी वो जो हार था ना एक एक मोती को लेकर दांत में काट रहे और देख रहे फेंक रहे, एक एक मोती को दांत में काट रहे देख रहे फेंक रहे। मैया सीता को तो क्रोध आ गया, ले ऐसे क्या बोलते हैं बंदर को आदर का स्वाद क्या बता है, अरे तेरे को मैं इतने कीमती चीज दिया, इतने कीमती चीज दिया तो उसको काट कर फेंक रहे क्यों? बोले माता जी मैं ये देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु सीता और राम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी सीता राम की कोई छवि नहीं हो हनुमान उस चीज को ग्रहण नहीं करता। मैया बोली बात तो बड़े बड़े करते हो, अगर ऐसे हो पर ये शरीर में क्या सीता राम पर स्वरूप है को शरीर को। हनुमान जी ने कहा आप देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे? तो हनुमान जी अपना छाती को उन्होंने फाड़ दिया, छाती को फाड़ दिया तो सचमुच से मैया सीता उनके हृदय में सीताराम की छवि देखा उन्होंने। मैया तो मान गई बेटा सचमुच से तुम प्रभु की परम भक्त हो। बोले श्री हनुमत लाल की, ऐसे श्री हनुमत लाल जी। इसलिए जब एक दिन सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मीटिंग की, बोले ये बंदर ठाकुर का सारे सेवा यही करता रहता है कि हमें कोई सेवा की कोई सुजोग नहीं देता है। बोले काम करो, मैया सीता को बोले देखो घर का अंदर का सेवा आप ले लो, हम तीनों भैया बाहर का सेवा ले लेंगे, बंदर को निकालो। बोले हनुमान इधर आ। बोले क्या बात है? बोले घर से निकालो, घर से निकलो, सारे सेवा अकला करते रहते हो, हमें सेवा की कोई मौका नहीं देते। आज से अंदर की सेवा तो माता जी सीता जी करेगी और बाहर का सेवा हम तीनों भाई कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो मैं प्रभु राम की सेवा छोड़ करके मैं रह नहीं सकता, राम सेवा ही मेरा विश्राम है, सेवा के बगैर मैं रह नहीं सकता। कोई एक छोटी सी छोटी कोई सेवा दे दो, एक छोटी सेवा से मैं खुश रहूंगा। बोले इसको ऐसे एक सेवा दिया जाए जो प्रभु की कोई जरूरत नहीं हो, ऐसे सेवा दे दो। बोले वे काम करना जब भगवान को जम्भाई आएगा ना छुटकी हो जाना। जम्भाई कब आता है? जब शरीर में आलसता हो तभी शरीर में जम्भाई, लेकिन भगवान को थोड़ी आलसता है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, उनको थोड़ी कोई आलसता है। बोले यही सेवा दे तो प्रभु की कोई जरूरत नहीं, ये सेवा की। बोले बाहर निकलो, गेट के बाहर वहीं पर बैठो। अभी हनुमान जी को ही बैठा दिया, हनुमान जी तो सेवा ही जीवन है। बोले पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, इसलिए पहले से ना बात छुट्टी हो जाना शुरू कर दिया। हाँ बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री हनुमत लाल की। जब उन्होंने चुटकी बजाना शुरू किया ना, भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान को ऐसे जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई के ऊपर जम्भाई। अभी समझा सेवा बंद, क्योंकि जम्भाई बंद हो तब तो कोई सेवा करेगा, वो ठाकुर तो जम्भाई लेते जा रहे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, बोले देखो तो प्रभु को क्या हो गया, इतने जम्भाई क्यों आ रहे। उन्होंने नाड़ी दबाई, बोले तो ठीक ठाक है, कोई किस चीज की कोई बीमारी है नहीं। बोले हनुमंत लाल कहाँ है? बोले हम तो घर से बाहर निकाल दिया उसको। बोले क्या सेवा दिया? बोले चुटकी बजाने का, जब जम्भाई आएगा। बोले वो क्या कर रहा है? बोले चुटकी बजा रहे। बोले यही से कारण है, भगवान उसको प्रेम में बसी उठे ना, इसलिए चुटकी बजा रहे, इसलिए ठाकुर जी की जम्भाई आ रहा है, भैया उसको सारे सेवा वापस दे दो। फिर तो उनको सारे सेवा उनको वापस देना पड़ा। इसलिए श्री हनुमत लाल जी उनने हर तरह से एक दिन मैया सीता
श्रृंगार कर रहे थे श्रृंगार भवन में, हनुमान जी अंदर में चले गए, बोले मतलब ये क्या कर रहे हो, हमने देखा है कि सिंदूर का सिंदूर चिन्ह और सिंदूर लाइन, बोले मैया ये क्या, बोले ये स्त्रियां ये सुहाग का चिन्ह है, बोले माता जी सुहाग क्या होता है, बोले पति की दीर्घायु के लिए पत्नियां, हाँ पति का दीर्घायु हो आयु बढ़े जगत में जस हो इसलिए स्त्रियां पति की सुहाग के लिए भरते हैं, ये बात, बोले हाँ बेटा जब मैया सीता श्रृंगार करके चले गए ना हनुमान जी अंदर में गए सारे सिंदूर लेकर के सारा शरीर छोड़ दिए सारा शरीर में, और जहाँ पर राम दरबार बैठा हुआ था और हनुमान वहां पर पहुंच के सारा लोग तो जोर जोर सहस रहे, देखो ये बंदर भी ये क्या सारे सिंदूर लगा कर आ गया। भगवान राम ने पूछा बेटा ये क्या तुमने की, बोले प्रभु जी मैंने देखा मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, मैंने मैया पूछा माता ये कि सिंदूर एक बूंद और एक दाग क्यों लगाए, बोले ये सुहाग का चिन्ह है अपना पति की दीर्घायु जस और उनको निरोग के लिए, आप तो मेरे ही स्वामी हो, अगर माता जी एक बूंद अगर एक रेखा आंख दे अगर इतने होता है, मैंने देखा अरे प्रभु आप अगर पूरा शरीर में सिंदूर पोत दूंगा फिर तो आपका जस सारा दुनिया में जाएगा, आपका दीर्घायु होगा सारा दुनिया में जस फैलेगा निरोग रहेगी। प्रभु राम इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। देखो हम लोग अपना शरीर को श्रृंगार के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे कितना स्नो कितने लिपस्टिक कितना क्या क्या करते हैं, कारण क्या सुंदरता के लिए है ना, यही तो सुंदर, लेकिन उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए कोई सुंदरता नहीं रखा, सारा शरीर में सिंदूर पोत दी। अगर आपका शरीर में सिंदूर पोत दी अब कोई देखेगा आपको, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं घर से बाहर, लेकिन इन्होंने क्या किया प्रभु की सुख के लिए उन्होंने सारे सुंदरता को त्याग दी हाँ? केवल प्रभु की जैसे हो, ऐसे श्री हनुमत लाल जी, इसलिए राय रामानंद कह रहे ऐसे जो हनुमान जी है भगवान का जो सेवक है, बोले जगत में उनकी किस चीज की बाकी है, हनुमान जी की चालीसा पढ़े ना जिसका नाम सुना है भूत पिशाच निकट नहीं आवा सब दूर भाग जाएगा तो कहते हैं ना उसको हाँ, बोले भगवान के सेवक को देखो, हनुमान की पूजा करने से जीवन में भगवान की भक्ति मिलती है राम की भक्ति मिलती है, जीवन का सारे विपत्ति चली जाती है, इसलिए बोले जो भगवान के सेवक है दास है और जगत में उसको किसी चीज की बाकी नहीं। जब उन्हें दास्य रस की बात बताई ना महाप्रभु बोले हाँ ये भी साध्य सार है, लेकिन इसको ऊपर की बात बताओ, जो ऊपर की बात बताए फिर उन्होंने भगवान की सख्य रस की बात बताई, भगवान की जो सखाओं उनकी बात बताई, दास्य के ऊपर में सख्य रस है, जब उन्होंने सख्य रस की बात बताए हाँ सख्य रस में बताए, बोले भैया ये वृंदावन में जो कृष्ण के सखा लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य उन लोगों ने की है हाँ? ऐसे कौन सा पुण्य की है जो परम ब्रह्म है जो परात्पर तत्व है हाँ? जिनको बड़े बड़े ज्ञानी जिनको ध्यान धरते हैं बड़े बड़े योगी जिनको हृदय में करोड़ों साल तपस्या करके भी हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं, कहते हैं भैया ये सखाओं ने ऐसे क्या सौभाग्य की जिसको ब्रह्मा कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कहते कृष्ण है कौन कृष्ण, बोलिए पूर्ण है, कहते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण ही कृष्ण है हाँ? वो ब्रह्म है और कृष्ण कौन है, बोले सनातन है कृष्ण पूर्ण ब्रह्म और सनातन कृष्ण है वो साधारण नहीं कृष्ण, लेकिन ये ब्रजवासियों ने भैया ब्रज की सखाओं ने से क्या पुण्य किया जिनको साथ में क्या कर रहे थे खेल रहे हैं उनके साथ में खेल रहे हैं, इसलिए कभी कभी सखा लोग कृष्ण के साथ में खेलते खेलते ना कृष्ण को परास्त कर देते हैं, श्रीराम कृष्ण के साथ में एक समय रमन रेती में हाँ रमन रेती में दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कृष्ण और श्रीधाम में रमन रेती गए कि नहीं वृंदावन रमन रेती हाँ गोकुल में वहीं पर रेती में खेल रहे, खेलते खेलते कृष्ण सुदामा क्या बोले कुश्ती लड़ रहे थे हाँ? बोले भैया जो कुश्ती में हार जाएगा ना वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा उस कंधे पर बैठेगा हाँ?
अभी दोनों अब दुर्वासा जी बैठे बैठे देख रहे थे, ऐसे कृष्ण श्रीदाम खेलते खेलते श्रीदाम ने कृष्ण को पछाड़ दिया और कृष्ण पूरा ऐसे चीते होकर पड़ गए तो श्रीदाम छाती के ऊपर बैठ गया, बोले कन्या तू हार गया, मैं जीत गया। कृष्ण का कैसे मैं हार गया, बोले तूने तेरा पीठ नीचे लग गया ना, कुश्ती लड़ाई का एक नियम है, पीठ अगर नीचे लग गया तो हार जाएगा। बोले तेरे पीठ के ऊपर नीचे लगा दिया, बोले पीठ तो लग गया लेकिन नाक किसको ऊपर दे हम कह रहे थे नाक को नीचे करा देंगे, बोले तुमको हम क्या कर देंगे, तो नाच नीचे कर, मतलब तुमको अपमान कर देंगे, नीचे नाक कर देंगे, बोले नाक तेरा नीचे और नाक मेरा ऊपर है, इसलिए मैंने जीता तू हार गया। अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गया और दुर्वासा जी पास में बैठे हुए थे, इतने में कृष्ण और सीता दोनों गए और कृष्ण बैठ गए दुर्वासा जी की गोद में और उनका दाढ़ी पकड़ लिए, जैसे बाबा का दाढ़ी है ना, उनका दाढ़ी पकड़ लिए दुर्वासा जी के, बोले बाबा बताओ तुम सही सही बताना, कृष्ण कह रहे हैं, बोले ये बताओ मैंने जीता ना सीताम ने जीता। अभी दुर्वासा चक्र में पड़ गए क्योंकि वो कैसे बताए भगवान कैसे, बोले वो हार गए, वो थोड़ी बता सकता है भगवान हार गए, लेकिन उन्होंने देखा उनको हारते हुए उन्होंने देखा, इसलिए हार देखा। अभी तो चक्कर में पड़ेगी भगवान को कैसे बोले हार गए, बोले बाबा तू क्या गुंडा है, बोल क्यों नहीं रहे हो। इतने करते करते क्या हुआ, कृष्ण थोड़ी सी हंस ली, थोड़ा कृष्ण हंसते ही दुर्वासा जी एकदम कृष्ण को मुंह में चले गए और तो पेट में चले गए। अब पेट में जाकर घूम रहे कृष्ण का, और कृष्ण विराट रूप दिखाया ना माँ यशोदा को, उनको पेट में चले गए और अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण को पेट में दुर्वासा घूम रहे, पेट के अंदर घूम रहे। ऐसे घूमते 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 बताने कितने दिनों के बाद में फिर वही गोकुल में आए, पेट में देख रहे हैं गोकुल में आए, फिर देखा गोकुल में कृष्ण और सिद्धार्थ दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, ये क्या पेट के अंदर में क्या लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने फिर देखते देखते श्रीदाम ने कृष्ण को फिर पछाड़ दिया, पछाड़ जब दिया फिर कृष्ण जाकर के दुर्वासा जी गोद में बैठ गए, बोले बाबा तू बता किसने हारा किसने जीता। दुर्वासा तो कांप गए, बोले ये बार मैं क्या देख रहा हूँ, ये कृष्ण है एक, वो कांप गए। फिर कृष्ण थोड़ी देर हंस दिया ना, फिर दुर्वासा जी बाहर निकल कर आ गए। इसलिए कहते ये सखाओं ने भैया ऐसे क्या पुण्य किया जो कि कृष्ण को साथ में अपना दोस्त मानकर खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर कृष्ण कभी हार जाते हैं ना, कृष्ण घोड़ा बनते हैं और श्रीदाम कंधे पर बैठते हैं, बोले चल तू तुमने हार गया यहाँ से वहां तक, उनको होता है जो हार जाएगा ना यहाँ से वहां तक कंधे पर बैठ कर ले जाना पड़ेगा हाँ। और कभी कभी कृष्ण सखाओं को साथ में जो वृंदावन में गैया चराने के लिए जाते हैं, कृष्ण बीच में बैठते हैं, सखा लोग चारों तरफ में बैठ जाते हैं, बैठ करके अपना घर से जो खाना लाते हैं ना, जो खाना लाते हैं कृष्ण को देते हैं, खुद खाते हैं और कभी पहले पहले खा लेते हैं। मेरे कन्या मेरी भैया ने सुंदर पकौड़ा भेजा तो खा करते थे हैं, मेरे भैया ने बड़े सुंदर मालपुआ भेजा है, मेरे भैया ने दही भात दूध भात भेजे है, पहले खा कर कृष्ण को खिलाते हैं। और कभी कभी कोई पेड़ से कोई बढ़िया फल मिल गया ना, पहले सखा लोग खा लेते हैं, कहते कन्या ये फल बड़ा मीठो है, कन्या कहते सारे अकेला खाओगे मेरे को नहीं दोगे, कृष्ण झपट करके ना उसको झूठा ना तो कृष्ण खाते ही हैं। इसलिए सखाओं को साथ में खेलते खेलते कृष्ण जैसे मयूर सुंदर रूप में नृत्य करते ना, मयूर सखा लोग भी मयूर बन के नृत्य करते हैं, जैसे मेढक यहाँ से वहां छलांग लगाते हैं, सखा लोग भी एक साथ छलांग लगाते हैं। इसलिए जैसे कोयल कुहू 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 करती है, सखा लोग कृष्ण भी सखाओं के साथ में कु 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 सखाओं को साथ में करते हैं। इसलिए यहाँ पर राय रामानंद बता रहे हैं भैया ये सखा लोगों ने ऐसे क्या पूर्व जन्म में पुण्य किया है जो पूर्ण ब्रह्म और जो सनातन है उनको सखा बन गए, सखा बन करके एक साथ में खेल रहे खा रहे कूद रहे एक साथ में सारे काम कर रहे हैं, ये सखाओं का कितने पुण्य है। यहाँ पर एक शब्द आया है पुण्य पुंजा, पुण्य पुंजा मतलब होता है थोड़ी मड़ी पुण्य नहीं, इन लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं। तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक में टीका लिखते हैं, नहीं इन लोगों ने पुण्य नहीं किया है, बोले फिर क्या किया है, कृष्ण का सखा कैसे बन गए, पुण्य नहीं कभी, ये कृष्ण के जो सखा लोग है ना जो श्रीदाम
वसुधा मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन लगभग की जो सखा लोग है ना, ये कृष्ण के नित्य परिकर है। इन लोगों ने साधन नहीं किया, ये कृष्ण की काय बुद्धि हो, कृष्ण स्वयं अपना लीला करने के लिए अपना शरीर से ही अपना शरीर से ही प्रकाशित किया है। ये पुण्य पुंजा नहीं, कृष्ण की काय बुद्धि हो, सबके सब कृष्ण का शरीर से निकले। इसलिए जब उन्होंने ये बात को बताया ये लोग कितने, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने बोले जितने साधन से जो सार है ये सख्य रस है, क्योंकि भगवान की नित्य परिकर। बोले और थोड़ी आगे की बात बताओ। जब आगे की बात बताए फिर उन्होंने बात्सल रस की बात बताई, मैया जसोदा की उन्होंने बात बताई। बोले नंद की अक्रोत ब्राह्मण महोदय पपो जसम हरी। फिर भैया ये नंद और जसोदा ने, उनको ऊपर में बात्सल रस है उनको ऊपर में, बोले ये नंद जसोदा ने ऐसे क्या पुण्य की है। कृष्ण मिनट में चलते, बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को भूख लग रहा है, मैया मेरे को दूध पिला दे। कृष्ण में चलते हैं, अगर थोड़ी सी अगर मक्खन मिश्री देने में देर हो जाए ना, मटकी फोड़ देते हैं। हाँ, वो मटकी फोड़ देते हैं। इसलिए बोले भैया ये नंद जसोदा क्या पुण्य की। अगर नंद बाबा कभी कहते, बोले कन्हैया लाला मेरे थोड़ा खड़ा हूं ले आ लाला। कन्हैया ठुमुक ठुमुक गिरते पड़ते जाते हैं, खड़ाओं को हाथ में नहीं, खड़ाओं का सर पर रख करके नाचते आ जाते हैं। हाँ, खड़ाओं को नंद बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हैं, मैंने कहा खड़ाओ ले आओ तो हाथों में नहीं सर पर रख करके ला रहा है। लाला जो बड़ा होगा ना खूब पिता माता का सेवा करेगा। हाँ, हर पिता माता यही सोचते ना, बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे को सेवा करेगा, इसलिए खुश हो जाते हैं। इसलिए बोले स्मृति मितरे भारत मन्य भविता अहम तु नंदम बंदे जसालीन दे परम ब्रह्म। करे भैया भले कोई श्रुति को वंदना करे, कोई स्मृति को, कोई महाभारत को, कोई वेद को वंदना करे, हम तो सिर्फ नंद बाबा को वंदना करते हैं। बोले नंद बाबा क्यों वंदना कर रहे हो। बोले जसालीन दे परम ब्रह्म, जिस कृष्ण को पाने के लिए कितने ऋषि, कितने मुनि, कितने जोगी, कितने तपस्वी टांग ऊंचा करके सर नीचा करके एक प्यार में बिना खाए पिए कितने कठोर तपस्या करते हैं, जिनको हृदय में स्मरण तक भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो परम ब्रह्म क्या कर रहा है, कहां पर खेल रहे हैं। बोले नंद बाबा का आंगन में, नंद बाबा का आंगन में खेल रहे हैं। ये नंद जसोदा ने ऐसे क्या पुण्य की जो भगवान इनको बेटा बन करके आए। हाँ, कन्हैया जब उन्होंने मटकी फोड़े, मैया ने क्या की, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, उनको मैया ने उखल में बांध देती है भगवान को। भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते हैं, भगवान को नहीं बांध सकते हैं, लेकिन उन्हें बांधा कैसे, तो नहीं ये मेरा बेटा है, मैं उनकी माँ हूँ, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ। गोपियां रस्सी ले आओ, रस्सी ले आए, गांठ लगाए पूरी नहीं, दो उंगल कम पड़ गया, बोले और एक रस्सी ले आओ। गोपियों ने कहा मैया विधाता ने तेरे लाला का ललाट में ना बंधन नहीं ले रखा, तू बांधो कैसे। बोले क्या, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध, जब ले आओ रस्सी, सारा ब्रज की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन मैया बांध नहीं पाई, क्योंकि जो अनंत असीम जिसका बाहर नहीं भीतर नहीं वो कैसे उनको बांधेगी। लेकिन जब उसने बांध नहीं किस तरह से, फिर मन मन में शरणागत हो गई, प्रभु हे नारायण मेरे लाज को तू रखा कर, सबर से शाम हो गया, गोपियां खिली उड़ा रही है, मैं बांध नहीं पा रही अभी तक, इसलिए मेरे लाज बचाओ। तो भगवान कृपा करके फिर बंधन को स्वीकार करो, भगवान को कोई नहीं बांध सकते, लेकिन मैया ने कन्हैया को बांध देती है। और कन्हैया को मैया जसोदा गोद में लेकर के स्तन पिलाती है। फिर भैया ऐसे क्या पुण्य की माँ जसोदा स्तन पान करा रही है, जैसे आप लोग बच्चों को स्तन पान कराती होगी, आपको कितने आनंद मिलता है, बच्चे जब दूध पीती है, लेकिन मैया जिनको दूध पिला रही कौन है, वो भगवान है, उनको स्तन पान करा रही है। जब कन्या स्तन पान करते हैं ना, मैया के रोम रोम खिले उठती है, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाती है, प्रेम में गदगद हो जाती है, कृष्ण मुख को बारम्बार चुंबन करती है। इसलिए हमारे
दामोदर अष्टक में गाते हैं ना, बोले नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लासत्कुंडलम गोकुल ब्राजमानम ततद्रोत गोकर सचिदानंद रूप आरुदंत मोर नेत्रं युग्मं विजान्तं करांभोज योगमेन सातंत नेत्रं मोर स्वासतां ये कीर्तन में कह रही हैं, बोले तत्व ध्रुत गोप्या, बोले कृष्ण जितने तेजी से दौड़ रहे थे ना, कृष्ण को उससे ज्यादा तेजी से दौड़ कर पकड़ लिए। बोले भैया भगवान भी पकड़ सकते हैं, बोले भगवान जितने तेजी से दौड़ रहे थे उससे ज्यादा तेज में जाकर कृष्ण को पकड़ लिए। बोले क्यों? बोले माँ के हृदय में ऐसे बात से रस है, बोले मेरा बेटा मेरे गोद मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं पकड़ सकती हूँ, इसलिए उसे ज्यादा तेज से पकड़ लिए। और रुदंतम हो नेत्र जुगमन रिजंतम, जब मैया पकड़ लिए उस समय कृष्ण थर थर कांप रहे थे। बोले मैया मेरे को मारना नहीं, मैया पहले लठिया निकाल फेंक दे, मैया लठिया फेंक दे फिर मैं खड़े हो जाऊंगा। मैया बोली तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी। आपको पता होगा मैया कभी बच्चों को कैसे पूजा करती, पूजा करती होगी, इसलिए समझते कैसे पूजा करते हैं, इसलिए जो मारते हैं ना मत माता है, इसलिए बोले नहीं मैया। में उस समय मैया देख, मैया कुंती कहती हैं, बोले कन्हैया मैं भी तेरे को देख कर चक्कर में पड़ गया था, मैंने कहा हे भगवान काल का जो काल है, काल दिन की थर 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 कांपते हैं डर से, आज ये मैया भी डर से कन्हैया कांप रहे हैं। हाँ ऐसे क्या मैया ने इतने सौभाग्य की है? मैया बोले बताओ सच सच बताओ कि मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया सच्ची बताओ ना झूठ बताओ। बोले झूठ क्यों सच बता? बोले तुमने जब दूध दूध को रक्षा करने के लिए भाग रहे थे ना, तो प्यार में इतने मोटी मोटी जो कड़ूले पहन के रख रखी, वो कड़ूले लग करके मटकी फोड़ गई, मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। बड़ा दुष्ट है, मेरा नाम पर दुष्ट लगा रहे। बोले बताइए कौवा बंदर को खिलाया किसने? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़ा बड़ा बात करता है। बोले ये बताओ तू बहुत बड़ा चोर बन गया। कृष्ण बचपन में सुना था उनका एक मामा का नाम था चोर गोप। बोले मैं तो राजा का बेटा, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे घर में कोई नहीं। हाँ इसलिए बोले तुम तो बंदर का दोस्त हो। बोले मैया अगर मैं बंदर का दोस्त मेरे को छोड़ दे फिर तो मैं बंदर को साथ में रहा करूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। हाँ इसलिए कृष्ण कितने इनके प्रेम में बसे होते हैं, कृष्ण बसे होते हैं। बोले भैया ये नंद जसोदा क्या इसे पुण्य किया? बोले पुण्य नहीं किए, ये भगवान की नित्य परिक्रमा, भगवान की नित्य पिता माता ये नंद जसोदा है। इसमें एक द्रोण एक धरा थे जो दो साधक थे, इन लोगों ने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मागो बोले हम वात्सल रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान तथास्तु बोले, फिर ये दोनों नंद जसोदा में मिल करके आए, फिर उसको द्रोण वात्सल रस को उन्होंने आस्वादन किए है। इसलिए नंद बाबा जसोदा की जो प्रेम और कृष्ण जो ब्रज छोड़कर चले गए, तब से मैया जसोदा नंद को खाना पीना ही छोड़ दिया, पूरा खाना पीना बंद कर दिए, खाना पीना नहीं खा रहे थे। जिस समय वो वापस आए, हाँ जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए और वहां पर पूछे भैया
ये नंदा जसोदा की घर कहाँ पर है? बोले यो पर्नला बह रही है ना, पानी बह रही है, ये पानी जहां से शुरुआत हो रही है वहीं पर। बोले क्या? मैं पूछ रहा हूँ नंदा जसोदा का घर कहाँ पर? बोले ये नाली जहां से बह रही, भाई क्या मतलब क्या है? सचमुच से उद्धव जब वहां पर पहुंचे, नंदा जसोदा कृष्ण प्रेम में ऐसे रो रहे थे, कृष्ण प्रेम में ऐसे रो रहे थे, उनका आंखों का जो आंसू है ना वो नाली में बहते हुए जा रहा था, वो नाली में बहते हुए आंसू जा रहा था। सचमुच से श्री उद्धव जी समझ गए कि कृष्ण प्रेम में कितने दुखी, कृष्ण प्रेम में मैया जसोदा तो कृष्ण प्रेम में एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हुदहुद नहीं शरीर में। बोले मैया जसोदा आंख ही बंद कर रखी, बोले ये आंख मैं खोलूंगी नहीं, आंख तब भी खोलूंगी जब मैं कन्हैया को देखूंगी, कन्हैया के बगैर ये आंख नहीं खोलूंगी। उनकी आंखों से आंसू बहते हुए, उनका पूरा कपड़ा भीगते हुए जैसे धारा तक बह रही थी। और नंदा बाबा तो इतने दुखी, कहते उनको रोसे साला में ना मकोड़े से बसा बना लिए, मतलब कोई घर में रोसे ही नहीं बना रहे हैं घर में जब से गए। नंदा बाबा कहते हैं कभी कभी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अपना मन को शांति दू, कृष्ण विरह में शांति दू, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मैं घूम घाम करके आता हूँ, मैं जहां जाता हूँ वहीं पर कृष्ण लीला, जमुना किनारा में जाऊं याद आता है कृष्ण को कैसे मैं जमुना किनारा में लेकर आता था, किसी जंगल में जाऊं देखता हूँ कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ, गैया का चरण चिन्ह पड़ा हुआ, किसी कुंज में चले जाऊं याद आता है कृष्ण कैसे कुंज कुंज में कैसे लीला की है, जहां जाता हूँ उधर कृष्ण 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 छोड़कर जहां जाता हूँ विरह को दूर करने के लिए ना, वो विरह दूर नहीं होता है और ज्यादा विरह बढ़ जाता है, इसलिए मैं मन को सांत्वना नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी मैया जसोदा कहती है कृष्ण का जितने खिलौना ना बचपन में जो कृष्ण खेलते थे वो सारे चीज को लेकर के कभी कभी जसोदा सोचती है मैं मथुरा में जाऊं, और देवकी को बोलूंगी देवकी हाँ हे देवकी तुम मेरे घर में मेरे को अपना दासी बना कर रख लो, लेकिन दिन में एक बार केवल कन्हैया के मुख का दर्शन मुझे करा दे, और मेरे को और किसी चीज नहीं चाहिए, एक बार कृष्ण का मुख दर्शन में कर लूं। इसलिए कहते नंद जसोदा कृष्ण विरह में ऐसे विरह नित है, ऐसे दुखी है, बोले भैया इन लोगों ने इतना किया जो कि कृष्ण की नंदक कृष्ण के पिता माता बोले महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये तो सर्व साध्य सार है, जितने साधन का सार है और आगे हो तो और आगे की बात बताओ। फिर उन्होंने ब्रज गोपियों की प्रेम की बात बताई, हाँ ब्रज गोपियों की प्रेम की बात बताई, बोले ब्रज गोपियों की जो प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, इससे बड़ा प्रेम जगत में कुछ नहीं है। जिस प्रेम को सामने कृष्ण स्वयं इनके प्रेम को सामने झुक गए, कृष्ण जब रास कर रहे थे, रास करते करते कृष्ण खुद कह रहे हैं बोले गोपिया न पा रहे अब निरबंध सजा सुसाद कृत विबुधाई वो सापी वो है। कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा किया था, मेरे को जो जितना भजन करता है ना मैं उसको उतना भजन करता हूँ, लेकिन उन सब जगह में प्रतिज्ञा को रक्षा करते हुए आए, लेकिन जब ये गोपियों के पास में आए ना इनके सारे प्रतिज्ञा धरा के धरा रखी, बोले ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के तुम लोगों का ऋण कभी मैं नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को प्रेम करने के लिए पुत्र परिवार भाई बंधु जब कृष्ण बंसरी बजाए उन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके तुम लोगों ने मेरे पास में आए, ऋण कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए उद्धव भी कहते हे गोपियां कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिस्मक्षम जसाम हरि कथत गीतम पुनात गुणत्रयम्। उद्धव जी कह रहे जो भाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला, जो भाग्य शंकर जी को नहीं मिला, जो भाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, हाँ स्वर्ग में जो लक्ष्मी स्वर्ग में जो देवियां रहती हैं जिनके शरीर से कमल पुष्पों का खुशबू निकलती है, जो सौभाग्य उनको नहीं मिला। अब वृंदावन में गए ना वहां पर जमुना का उस पार में लक्ष्मी बैठकर तपस्या कर रही, अभी भी तपस्या कर रही है कृष्ण रास लीला में प्रवेश करने के लिए, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला वो सौभाग्य ब्रज की
गोपियों को प्राप्त होता है। इसलिए श्री उद्धव कहते बोले वंदे नंद ब्रज श्रीनाम पाद रेणु, उनके चरण की एक धूल को मैं वंदना करता हूँ। इसलिए कहते क्या मेरा कभी ऐसे सौभाग्य होगा ब्रज में गुरु लता औषध वृक्ष रूप में हमारी जन्म हो जाएगी, तब हमारा जीवन धन्य होगा उनकी चरण की धूल को पा करके। इसलिए कहते जो प्रेम में सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है ये ब्रज गोपियों की प्रेम है। जब महाप्रभु ये बताए ना, महाप्रभु बोले राय रामानंद तेरे मुंह में जो कथा नहीं रस की धारा बह रही, जिसमें स्नान करते करते अपना जीवन को मैं धन्य मान रहा हूं, बोले इसको ऊपर कुछ है और? राय रामानंद बोले ये जगत में ऐसे कोई जन्म नहीं लिया इसको ऊपर की बात भी सुन सकता है। बोले पृथ्वी में कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया इसको ऊपर भी कोई बात सुनने वाली पृथ्वी में कोई जन्म नहीं लिया, क्योंकि महाप्रभु तो कोई है नहीं, राधा कृष्ण थे ना दोनों मिलकर महाप्रभु रूप में है। तो उन्होंने राधा रानी के प्रेम की मन में बताई, कैसे रास करते करते कैसे राधा रानी अंतर ध्यान हो जाती हैं, कैसे गोपियां ढूंढते ढूंढते कैसे कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में जब राधा जी की चरणों को उन्होंने दर्शन किए, जितने सखियों में भी यही सखी पूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा की, जिसका फल स्वरूप में कृष्ण सब को छोड़ करके केवल इसी गोपी को लेकर गए, केवल राधा जी को लेकर गए। महाप्रभु कहते देखो तुमने जो बताया सही तो बताया, लेकिन कृष्ण उनको छुपा करके लेकर गए। ऐसे कोई श्लोक है जो स्पष्ट रूप में, जैसे किसी क्लास में कोई बच्चा सबसे बढ़िया नंबर लाता है, अगर उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिले ना, सब बच्चों को सामने बैठा करके बोले भैया तुम जितने क्लास में बच्चे है ना तुम्हें तुम अंदर में ये सबसे बढ़िया नंबर यही लाया, सबको बीच में कहते। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण राधा को छुपा करके लेकर चले गए। कोई ऐसे श्लोक है जहाँ स्पष्ट रूप में प्रमाण होता है, फिर उन्हें गीत गोविंद से करे के श्लोक उठाए, कैसे रास को बीच से जब राधा रानी चली जाती है कृष्ण कैसे रास संपूर्ण भंग हो जाता है, कृष्ण सब भी रहते हुए भी कृष्ण भी रास छोड़ करके राधा रानी को ढूंढते रहते हैं, राधा रानी कहाँ है राधा रानी कहाँ है, फिर कुंज में बैठी करके राधा रानी के लिए कृष्ण रोते रहते हैं, फिर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। इसलिए देखो एक चीज को समझो, कितना टाइम हो गया और पांच मिनट सुन लो। देखो अभी ये एक चीज को अच्छे तरह समझो, बुद्धि लगा कर समझो, एक से दूसरे क्यों श्रेष्ठ, दूसरे से तीसरे क्यों श्रेष्ठ और तीसरे से चौथे क्यों श्रेष्ठ। इसलिए ये चीज को समझो, भगवान को हम पांच रसों के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं। पहला रस है शांत रस, लेकिन अगर साधारण लोग कहें ना भाई ये आदमी बड़ा शांत है, ये आदमी बड़ा शांत है, यही तो बढ़िया है, लेकिन वो भक्ति जगत में वो सबसे नीचे है, भक्ति जगत में सबसे नीचे है। बोले क्यों? बोले शांत रस उसको कहते हैं जैसे ब्रज में जैसे कृष्ण का बंसुरी है, जैसे वहां का वृक्ष है, जैसे ब्रज में गैया है, इनको शांत रस बताया गया। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण जब बंसुरी बजाएंगे तब बंसुरी बजेगी, कृष्ण जब गैया को हांक कर ले जाएंगे तब गैया चलेगी, हैं? ये लोग अपनी आप कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण जब उनको द्वारा कुछ करवाते हैं तब ये करते हैं। इसलिए जो शांत में केवल एक निष्ठा और कुछ नहीं, उनका अंदर में अपना तरफ से कुछ भी नहीं करते, कृष्ण खुद इनको करवाते हैं, इसलिए ये रस को सबसे निम्न रस मानी गई। उसको ऊपर में दास्य रस है, कहते उससे दास्य रस श्रेष्ठ है। बोले क्यों दास्य रस श्रेष्ठ क्यों? कहते ये अपना तरफ से ठाकुर को सेवा करते हैं, अपना तरफ से ठाकुर जी की ये सेवा करते हैं, हैं? इसलिए इनको दास्य रस बताया गया। यहाँ पर उनको ममता है, ये मेरे प्रभु और हम सेवक है। कहते उससे जो श्रेष्ठ है सख्य रस। बोले सख्य रस श्रेष्ठ क्यों? उससे कि दास्य रस में क्या है, वहां पर भगवान भगवान और भक्त भक्त, और ये मेरे भगवान भक्त भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जब दास्य रस में जाते हैं ना, कहते उनका अंदर में इतने मित्रता इनका अंदर में वहां पर कोई अलग नहीं, वहां बराबर हो गए भगवान और भक्त बराबर।
इसके अंदर भी इतने फ्रेंड्स थे, आप बोलोगे श्रेष्ठ कैसे? घर का नौकर, जिस जो नौकर दिन भर सेवा करता है प्रभु को, ये तो श्रेष्ठ होनी चाहिए ना, सखा कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा? जैसे समझो तुम्हारे घर में एक नौकर दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है तुम्हारे घर में नौकर है, लेकिन अभी तुम्हारी एक दोस्त आ गया, जब दोस्त आ गया ना, आप एक नौकर को साथ में आप दिल खोल कर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब एक दोस्त आएगा ना, आप जिस आसन पर बैठे हो, जैसे कृष्ण कहीं बैठा हुआ, सखा आकर के ले अकेला बैठा, उसको हटा करके ना एक साथ में बैठ जाएगा और उसको गले में गलवेनिया दे देगा, यार क्या कर रहे हो, कब से तेरे साथ में बैठ नहीं हुआ, क्या कर? उसको ना तू तेरे जैसी बात करेगा। आप बताओ, एक नौकर को साथ में बात करके आप खुश हो गए ना, एक दोस्तों को साथ में बात करके खुश हो गए? बताओ, दोस्त को साथ में है, क्योंकि दोस्त की आप बराबर है, आप दिल खोल करके दोस्त को साथ में बात कर सकते हो, नौकर को साथ में आप दिल खोल करके बात आप नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते दास्य रस से कभी जो सख्य रस है, जहां पर वो बराबर हो गए, हाँ, इसलिए सखा लोग कभी कभी कृष्ण को कहते, बोले कन्हैया तू हमसे किस चीज की बड़े हो? सिद्धार्थ कहते, बता तेरे पिता का कितना गैया? बोले 9 लाख। बोले मेरे पिता 11 लाख है, हाँ? तुम यानी समझ, तुम और हम बराबर है, इसलिए वहां पर सख्य रस हो गया, दास्य से श्रेष्ठ। लेकिन उससे जो श्रेष्ठ है बात्सल रस है, कहते बात्सल रस में माँ की जो भावना है, देखना वहां पर भगवान यहाँ पर तो हो गए तो बराबर, अभी भगवान यहाँ पर छोटे हो गए और भक्त हो गए बराबर। माँ जसोदा, माँ जसोदा क्या बनती है? ये मेरे लाला है, जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी ये क्या क्या खाएगा, हाँ? जब तक मैं खिलाऊंगी तब तक बेटा खाएगा, हाँ? इसीलिए मैया हर समय बेटे को अपना बेटा मानती है, डांटती है, शासन करती है, कान पकड़ती है, उसको शासन करती है माँ। इसलिए इसमें दास्य में, हाँ, जो जो सख्य रस में ना, कि सख्य रस में वहां तो ममता है वहां पर, लेकिन उससे जो ज्यादा ममता है वह निस्संकोच है, और यहाँ पर जो है तारण भर्षण है, कृष्ण को मैया दशदा कान पकड़ती है, बांध देती है, शासन करती है, तू अभी बच्चे के बच्चे रह गए, अभी तू कुछ बुद्धि, अभी तेरा कोई बुद्धि बुद्धि नहीं हुआ, अभी तू बचपना तेरे अंदर में अभी, इसलिए कहते उससे जो श्रेष्ठ है ये माँ, जो बात्सल्य रस है, हाँ, बात्सल्य रस है, लेकिन उससे जो श्रेष्ठ है कहते ये गोपियों का प्रेम है। बोले क्यों? गोपियों का प्रेम क्यों? कारण क्या? देखना इस जगत में भी देखना, मैया एक बच्चे को 9 महीना तक गर्भ में धारण करती है, हाँ? और अपना मुंह को खाना निकाल करके बेटे को खाना खिलाती है, स्वयं गिली में सो करके बच्चे को सूखा में सुलाती है। एक माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती, बताओ क्या क्या नहीं करती है? लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है ना, जब घर में बहू आ जाए, शादी हो जाए, फिर माँ को अलग कर देती है, फिर माँ के पास नहीं, किसके साथ में रहती है? फिर अपना बीवी सब कुछ हो गई, हाँ? वो एक रात में एक कान में ऐसे एक मंत्र देती, दूसरी दिन ही बेटा का बुद्धि खराब हो, हाँ? फिर वो सब भूल जाती है। अब देखना जब शादी हो जाए ना, शादी से पहले उसका बहुत सारे दोस्त रहते हैं, हाँ? बहुत सारी उसको रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है वो धीरे धीरे सब छूट जाती है, वो सब छूट जाता है धीरे धीरे, वो अपना बीबी को लेकर दिन भर रहता है। बोले क्यों? बोले कारण क्या? बोले कारण है, एक पत्नी को अंदर में सारे रस है। कहते पत्नी क्या करती है पति के लिए? उसको कपड़ा प्रेस कर देती है, कपड़ा धुला देती है, खाना बनाती है, उसको जो एक दास्य रस एक पत्नी के अंदर में है। और जैसे सख्य रस है, जैसे दोस्त को साथ में बात करके खुश होते ना, लेकिन जो दोस्त से भी ज्यादा आनंद मिलता है पत्नी के साथ में बात करने का, तो उसको अंदर में भी एक दोस्त की भावना है। पत्नी कहते ना जीवन का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? पत्नी जीवन का सबसे बड़ा दोस्त होती है, इसलिए वो एक दोस्त को साथ में जो आनंद, पत्नी को साथ में जो बात करता, दोस्त भी धीरे धीरे सारे दोस्त भी खत्म हो जाते, पत्नी रह जाती, दोस्त भी अकेले रह जाती है, और उसके अंदर में जो कि माँ की जो भावना है, हैं, जैसे माँ बच्चों को खिलाते पिलाते करती है, पत्नी भी ऐसे करती है, और एक स्त्री को अंदर में जो पत्नी की जो भावना उसके अंदर में तो है ही है,
एक स्त्री की जो भावना है पति का प्रति वो तो है ही उसके अंदर में। इसलिए यहाँ पर बताए जो सर्वांग देकर जो सेवा है, संपूर्ण शरीर देकर के जो सेवा है, एक पत्नी ही ये काम को कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। एक पत्नी कर सकती है काम को। इसलिए जो संपूर्ण जो समर्पित है कपिल एक पत्नी को अंदर में, इसलिए एक गोपियों के अंदर में वस्तु विद्यमान है। इसलिए सबसे जो श्रेष्ठ जो भक्ति है ये गोपियों ने जैसे कृष्ण को सेवा की। इसलिए जब महाप्रभु ये चीज को सुने ना, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, इसलिए यहाँ पर बताए ब्रज बद वर्गेण जा कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसे भक्ति की ऐसी भक्ति किसने की नहीं। सर्वश्रेष्ठ भक्ति गोपियों की भक्ति है। इसलिए उनका नाम गोपी, गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पीना, जो इंद्रियों को द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है, कहती है गोपियां हैं। गोप रक्षण पालन संपूर्ण इंद्रिय देकर कृष्ण इंद्रिय को जो पालन करते हैं पोषण करते हैं, कहती ये गोपियां हैं। जब ये बात को सुने महाप्रभु, हाँ भैया जिस काम के लिए आया था हमारी इच्छा पूरी होगी। चलो भैया इसको आगे बताओ, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, रस क्या है, प्रेम क्या है। फिर राहरा बंदो फिर उस सारी कथा को सुनाते, फिर मैं जब कभी और आऊंगा फिर उसको आगे की बात करूंगा। लेकिन लेकिन हरे कृष्ण सुना, लेकिन आप तो बड़े हाई फाई कथा सुन लिए, लेकिन अपना जीवन में भी कुछ उतारनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अभी अपना जीवन में भी किसी चीज को उतारनी चाहिए। अभी तो हमको अपना क्लास वन से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, क्लास वन टू थ्री फोर फाइव, और गोपियों का प्रेम ये PhD है। हाँ, ये PhD है। लेकिन अभी तो PhD को पाने के लिए अभी तो हमें साधन करना पड़ेगा ना, लेकिन हमें चलना पड़ेगा हम क्लास वन से। हाँ, क्लास वन से। वन से मतलब क्या है देखो, इसलिए कहते भगवान की भक्ति जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी नयत इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कह रहे जितने सारे उपदेश में जो सार किया है तो भगवान का नाम, भगवान की पहले भगवान का नाम हमें निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। क्यों कलि युग में ठाकुर जी नाम रूप में आए, हम भगवान को तो देखे ही नहीं, लेकिन भगवान कलि युग में अपने नाम रूप में आए। पहला हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए नाम में, हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए संख्या पूर्वक नाम करनी चाहिए, ठीक है ना। रोज कम से कम 16 माला तो करना, अगर 64 माला तो जितना कर अच्छी बात, अगर नहीं फिर कम से कम 16 माला से नीचे कभी नहीं उतर चाहिए, बल्कि उसमें ज्यादा हो, उससे कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में जो कुछ करना अंतिम समय में साथ में क्या जाएगा, भाई राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, साथ में केवल ही जाएगी। और कलि युग में भगवान नाम रूप में भगवान जगत में आए हैं। हाँ? इसलिए हमारी पहले भगवान के नाम में निष्ठा होनी चाहिए। और बिना देखो बिना माला किए हुए कभी भोजन नहीं करनी चाहिए। माला कौन है, यदि माला स्वयं भगवान कृष्ण है। अगर एक दिन माला नहीं किया मतलब समझो ठाकुर जी को हमने पूरा भूखे रख दिया। अगर एक दिन अगर आप खाना नहीं खाओ, स्नान नहीं करो, कपड़ा नहीं बदला, अच्छा लगेगा? इसका मतलब माला नहीं क्या मतलब गुरुदेव ने जो माला ठाकुर दिया है तुमने क्या किया, माला नहीं क्या मतलब सारा दिन ठाकुर जी भूखे पड़ रहे, उनका स्नान नहीं करा, खिलाए नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर के पास में जो महाप्रभु प्रसाद लेकर कहे बोले नहीं आज नाम नहीं कर सकता, आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों, बोले अपना संख्या पूरी नहीं किया। इसलिए पहले हमारी नाम निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, रोज कुछ कुछ भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करनी चाहिए। और बोले तिष्ठन ब्रजे, बोले भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, बोले भैया वृंदावन में रहकर भजन करो। कहां पर तिष्ठन ब्रजे, रूप गोस्वामी कह रहे बोले वृंदावन में रह करके भजन करो, नहीं तो भजन नहीं होगा। बोले भैया अगर वृंदावन में जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, खाना पीना कहां रहेगा, घर मकान कहां से मिलेगी। तब रूप गोस्वामी कहते हैं अगर शरीर से नहीं हो मन से रहो, हां मन को द्वारा वृंदावन में रहो। बोले भैया मन को द्वारा कैसे रहेगी, देखो
अभी मन को द्वारा कैसे रहेगी, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, यदि न गृह है भजन देखी गृह ते गोलक भाय। जब घर में भगवान की भक्ति कीर्तन करेंगे ना, अब वृंदावन में ही हो, भले ही अपना हलांड में, तो होली लैंड है ये, होली लैंड है, इसलिए भले ही हलांड में हो, लेकिन घर में अगर ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति कर रहे हो, अब वृंदावन में हो, इसलिए क्या करनी चाहिए, देखो रोज सवेरे उठ करके पहले स्नान करके तिलक लगाना। अब ये मत समझना अरे तिलक तिलक की कोई जरूरत नहीं, तिलक लगाए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए कोई एक स्टूडेंट बगैर तिलक के आ गया क्लास में तो महापुरुष बैठने नहीं दिया उनको, बोले तुमने आज तिलक नहीं लगाए, जाओ घर में तिलक लगा करके फिर गुरु मंत्र जप कर क्लास में आओ। तो प्रभुपाद वहां कमेंट लिखते हैं, बोले क्यों महाप्रभु ये तिलक का जोर दिया। आप लोग हिंदू है देखना, जब घर में ब्राह्मण कोई पूजा कराने आएगा अपने तिलक लगा कर पूजा कराएगा, जैसे कोई शुभ काम में जाते तिलक लगा कर भेजते हैं, ये तिलक मंगलवाची है, तिलक जो दर्शन कर लेता है ठाकुर का दर्शन करने का फल उसको मिलता है। इसलिए पद्म पुराण में बताए जिसको शरीर में तिलक है उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया देवी सरस्वती सब उसको शरीर में निवास करते, तिलक की बड़ी महिमा बताए, इतने प्रभुपाद इतने महिमा बताए, चैतन्य भागवत खोलकर देख लो तिलक की क्या जरूरत है। बगैर तिलक के तुम गुरु मंत्र भी जप नहीं कर सकते हो, उस निष्फल हो जाएगा तुम्हारे गुरु मंत्र, कोई भी सेवा करोगे तुम्हारी निष्फल हो जाएगा। अगर शरीर में तुमने सबर तिलक लगा दिया समझो आधा भजन तुम्हारी हो गया, आधा भजन तुम्हारा हो गया तिलक अगर सारा शरीर में लगा दिया। बोले क्यों, ये गोपियों का चरण धुल गया, कृष्ण स्वयं जिनको द्वारा कृष्ण को स्नान कराया गया था वो साधारण वस्तु नहीं, हम संतों का चरण धुल लेते हैं ना, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कहते भक्त ठाकुर क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेनो भजन आनो कोला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति करमोला, शुद्ध भक्त चरण रेनो भजन आनो कोला, शुद्ध भक्त चरण रेनो भजन आनो कोला। बोल रहे ना शुद्ध भक्तों का जो चरण धूलि भक्ति का अनुकूल है, ठीक है ना, क्या करना है तिलक लगानी, अच्छे तरह से कपड़े कांट बांध कर लेकर जाओ, तिलक लगाए मगर हम कुछ नहीं करेंगे, पहले सबसे पहला कर्तव्य है नहाने के बाद तिलक लगाओ। आप लोग बोले भैया हमको ऑफिस में जाना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है, देखो तिलक तो लगानी है लेकिन उसको हल्का रूप में लो, हाँ तिलक लग जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, उसको हल्का रूप में लो, उसमें क्या हो गया सारा शरीर में तो लगा देना, लेकिन ये जो तिलक को हल्का रूप में लगा दो, ऐसे लगाओ जैसे तिलक लग जाए लेकिन जैसे दिखाई नहीं पड़े, ठीक है ना। इसलिए अगर शर्म नहीं लगता तिलक लगा कर जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा तिलक जो देखेगा उसको क्या, उसको जो तिलक दर्शन करेगा ना उसको भगवान का मंदिर दर्शन करने का फल मिल जाती है। तिलक की इतने महिमा, हनुमान जी को देखो, कृष्ण को देखो, राम को देखो, बगैर तिलक ठाकुर भी नहीं है। अब नारायण को देखो, इतना बड़ा तिलक, आधा मुंह तो तिलक में ठाकुर को भरा हुआ है, इतने आधा मुंह पूरा आधा मुंह तिलक में भरा हुआ है, तिलक की बड़ी मुंह, इसलिए तिलक लगानी। फिर क्या करनी, अपना जो हरिनाम जो गुरु मंत्र है उसको टाइम से, गुरु मंत्र को टाइम से जप करनी चाहिए, और जो हरिनाम सवेरे कुछ हरिनाम करके और सवेरे ठाकुर जी का आरती उतारना, ठीक है ना, आरती और सवेरे जो जय ध्वनि हम देते हैं, बोले जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व जी का, गिरधर जी श्री राधा विनोद बिहारी जी की, ये जो जय ध्वनि है हमारे गुरु जी उनके गुरु जी उनके गुरु जी उनके गुरु जी, जब हम जय ध्वनि देते हैं सारे संतों का प्रणाम करना हो जाता है, सारे संतों का नाम लिया, जब तुम संतों का नाम लिया क्या होगा, वो सबके से वो अपराध करते हैं, उनका नाम लेते ही आपको अंदर में वो शक्ति प्रदान करते हैं, उनका नाम लेते ही सारी शक्ति मिल जाती है आपको। इसलिए जो भक्ति कहाँ से मिला, संतों का आशीर्वाद से भक्ति मिली, इसलिए गुरु परंपरा की जो जरूर रोज सवेरे जय देनी चाहिए, और उसमें और संसार जो आरती से पहले संसार दावा नलीन लोको त्राणा ये कारुण्य घन घन, तो ये कीर्तन को रोज करके ठाकुर जी की मंगल आरती उतार, जैसे मंगल श्री गुरु गौर
मंगला मुराती मंगला श्री राधा कृष्णा जुगला पीड़ित। ये कीर्तनों करना करके तुलसी रखना, ठीक है। घर में हर घर में तुलसी होनी चाहिए। हाँ, तुलसी में भगवान लक्ष्मी और वृंदाई तुलसी देव प्रियाई केशव सचिव कृष्ण भक्ति देवी सत्य तुलसी रहनी चाहिए घर में। तुलसी नहीं है तो भक्ति नहीं बढ़ सकती, इसलिए राधा रानी तुलसी की पूजा करके कृष्ण को प्राप्त करती। हाँ, तुलसी घर में तुलसी सेवा होनी चाहिए। घर में तुलसी की पौधा जरूर रखना, रख करके मंगला आरती के बाद में ना तुलसी रख करके परिक्रमा करना। और कौन सा कीर्तन गाना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मात नमोन श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन। ये एक ऐसे भी कीर्तन है, पूरा वृंदावन धाम की याद हो गया। और जहां जिस धाम की याद हो रहा है ना, हम वही वास हो जाता है, वृंदावन वास हो जाता है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कैसी घाट बंसी मठ, पूरा पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा हो गया। और एक कीर्तन कर लेना, हरि हरे नम कृष्ण यादवाय नम। ये कीर्तन में महाप्रभु परिकरों का याद हो जाता है। हाँ? और ये कीर्तन है वृंदावन वासी जत वैष्णव गण प्रथम वंदना करे सवार चरण बैठ करके। हाँ, कम से कम सवेरे एक घंटा पूरा इसी के लिए रखो। कितना समय रखोगे, एक घंटा पूरा के पूरा, कोई काम नहीं, एक घंटा। अब काम जाने से पहले पूरा एक घंटा रखना। देखो, आपको परम गुरुदेव कहते थे, जैसे कोई घड़ी होता है ना, घड़ी पहले था उसमें चाबी अगर दे दो, पहले 24 घंटा में एक बार चाबी देना पड़ता था, फिर वो 24 घंटा तक काम करेगा, फिर दूसरे दिन फिर चाबी देते थे ना। अभी तो इलेक्ट्रिक निकल गया, पहले ऐसे था चाबी लगा देते थे। तो उसी तरह आपको परम गुरुदेव कहते थे, अब एक घंटा सवेरे अभी ये काम करके जाओ, आपका दिमाग पूरा कृष्ण भक्ति रस में डूबा रहेगा, कृष्ण कंसियसन पूरा रहेगा एकदम। ये चीज करके जाओ, एक घंटा पूरा ठाकुर को जय ध्वनि देना, आरती करना, कुछ कीर्तन करना, कुछ भक्ति की ग्रंथ पढ़ करके जाओ, पूरा आपका भक्ति एकदम हरा भरा रहेगी। महाप्रभु कहते जैसे हमने भक्ति को एक लता बताया, अगर लता लगाया अगर पानी नहीं दोगे तो लता कब तक रहेगी, वो तो मर जाएगी, दो दिन में तो खत्म हो जाएगी वो। गुरुदेव का हमने मंत्र दे दिया हमें, जैसे हम टिकट बनाया यहाँ से इंडिया जाने के लिए, अगर टिकट को पकड़ में रखो गया इंडिया में हो जाओगे क्या, आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, प्लेन में बैठोगे फिर तो जाओगे। अगर आप पकड़ में रख दिया कि आप पहुंच जाओगे इंडिया में, नहीं, ठीक है ना। इसलिए देखो, हम जीवन में दो ही चीज चाहते हैं। आप बता सकते हो जीवन में हम दो चीज क्या चाहते हैं, बताओ। मेरे प्रश्न है, सारा जीवन में केवल हम दो चीज को जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, आप बताओ ये दो चीज क्या, कौन बोलेगा हाथ उठा, बताओ। जिंदगी में हम जो कुछ कर रहे हैं बचपन से लेकर बूढ़े तक, केवल दो चीज के संधान में आते हैं, बताओ। एक है जीवन में आनंद और दुख को हटाना और सुख को लाना। देखना, अब जीवन में जो कुछ करते हो दो काम के लिए, जीवन में दुख को हटाना और सुख को लाना, यही दो चीज जिंदगी में हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक भी हाथ में वो दो चीज अभी तक नहीं आई, ये दो चीज अभी तक भी जिंदगी में नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई, कारण क्या, बोले कारण बताए हैं। लेकिन जिन जिनों को आया, किसको किसको आया, गोस्वामी तुलसीदास को मिला, हनुमत लाल को मिला, मीराबाई को मिला, गोपियों को मिला, ध्रुव जी को मिला, प्रहलाद को मिला, मिला कि नहीं उनको जीवन में। लेकिन हमारे अंदर में कोई चीज कमी है, जिस वजह से वो चीज नहीं आ रही है। उनको क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्र में जो प्रोसेस बताया ना, वो काम कुछ हम नहीं कर रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा,
वो कह रहे हैं भैया हम सोचते हैं यार सब पैसा पाने हम हीरो पाने पर सुखी हो जाएगा, जो बिल गेट नाम सुने होंगे उसको 50 अरब की 50 लाख अरब की कोई संपत्ति था उसके पास में। उसको पूछा तुम सुखी हो, बोले नहीं रात को गोली खाकर सोना पड़ता है कभी नींद नहीं आती। तो तुम्हारे पास में कितना पैसा हो गया तुम सुखी रहोगे, जिसको पास में इतने पैसा सुखी नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, वही व्यक्ति उतना सुखी जो जितने ठाकुर जी की भजन में मन लगाया, वही व्यक्ति उतना दुखी ठाकुर के भजन से जो जितना दूर गया। इसलिए बोले नचेंद्र से सुखम नास्ती, स्वर्ग में इंद्र को पूछे तुम सुखी हो, कितना बार गधे कुत्ते बने उसने, सुअर बना कितना बार हाँ? न सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती राजा को पूछे तुम सुखी हो, बोले जगत में कोई सुखी नहीं जगत में हाँ? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक व्यक्ति सुखी, बोले जितने जो जितना अपना मन को प्रभु की भजन में लगाया उतना ही सुखी है, नहीं तो सब दुखी है। हाँ देखो एक चीज समझो, हम जब तक यहाँ बैठे हैं ना, देखो जब जब भी हम संसार में कोई दुखी दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पुत्र से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बॉयफ्रेंड से, कोई गर्लफ्रेंड से, संसार में हम दुखी, सब दुखी दुखी संसार में, कोई सुखी नहीं। लेकिन एक चीज का अनुभूति करो, लेकिन जब तक हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम यहाँ बैठे हैं कितना समय से, एक दो घंटा से, जब जब भी हम दुखी, अभी हमारे दिमाग में कोई दुख की बात याद आ रही है? कोई दुख की बात नहीं याद आ रहे हैं। क्यों? हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान और कथा में कोई फर्क नहीं, वो एक ही है। जब तक लग रही यहाँ कथा से, फिर गेट में बाहर निकल जाओ, सारा दुनिया की बोझ, घर में जाते ये होगा, घर में जाते ये होगा, घर में जाते ये होगा, घर में सारे प्रॉब्लम दिमाग में आ जाएगा, केवल कथा से बाहर जाते हैं। अगर हर समय, अगर हर समय भगवत भजन में डूबे रहेंगे ना, ठाकुर का भक्ति में डूबे रहेंगे ना, कृष्ण खुद कहते भैया मेरे भजन करो तुम्हारे सारे दुख को मिले लूंगा, कृष्ण खुद कहते हैं तो मेरे भजन करो भक्ति करो सारे दुख को मैं ही ले लूंगा, तुम चिंता मत करो मेरे भक्ति में रहो। देखो देखो एक चीज समझो, बोले जो महाभारत युद्ध में, देखो महाभारत युद्ध जब हो रहा था, एक दिन पितामह भीष्म थे सेनापति, किसके सेनापति हाँ, एक दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया था मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, और एक दिन दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने पितामह और भीष्म को बड़ी बुरी तरह से गाली दी, बोले अगर हमें पता चलता आप कुछ किसको नहीं मारेंगे ना, भूल किया आपको सेनापति पद नियुक्त करके, अब ऊपर से हमारा पक्ष में लेकिन अंदर से उनको पक्ष में लड़ाई कर रहे हो। भीष्म को तो ताव आ गया, बड़ा क्रोध आ गया भीष्म को, बोले कल पांडवों को खत्म कर दूंगा, कल ही पांडव को समाप्त। उन्होंने 5 बाण बनाए, बोले कोई चिंता मत करी 5 बाण से कल पांडवों को मार डालूंगा। अभी तो कृष्ण को चिंता लग गई, पांडव लोग सो रहे हैं, दिन भर युद्ध किया, देखो इसमें बड़ी अच्छी सी ज्ञान दी, दिन भर युद्ध करते करते थक गए, सो रहे पांडव लोग हैं, सो रहे हैं, लेकिन प्लानिंग कृष्ण बना रहे, क्योंकि कृष्ण ने गीता ने प्रतिज्ञा की, कौंतेय प्रतिज्ञानी नमे भक्ता परिणति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, कृष्ण खुद प्रतिज्ञा की पांडव मेरे शरणागति है। और युद्ध से पहले ना कुंती पांडवों को लेकर गए, बोले कन्या मैं अपना 5 बेटे को मैं तेरे को सौंप रहा हूं, ये बेटे आज से मेरे नहीं बेटे तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारी छत्र छाया में। तब कृष्ण प्रतिज्ञा करते बोले बुआ जी ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए लेकिन पांडवों का बाल भी मौका नहीं होगा, इसलिए लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल मारेगा, 5 बाण बनाए, ये लोग सो रहे हैं इनको कोई चिंता नहीं, मरने का भी चिंता नहीं, लेकिन कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए, पांडवों को बचा के ऐसे मेरे भक्त हैं मेरे शरणागति है। कृष्ण जाकर के अर्जुन को उठा रहे, बोले अर्जुन उठो बेटा, बोले कृष्ण क्यों उठा रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते थक गया हूं मैं, सो रहा हूं मेरे को मत उठाएगा, बोले अर्जुन अभी सुनने का चीज नहीं, उठो अर्जुन उठो, पितामह भीष्म ने 5 बाण बनाया कल तुमको 5 पांडवों को मारने के लिए। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं कल न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा हाँ? कृष्ण का 5 भक्त थे वो मर गए, कल हेडिंग में आ जाएगा
हाँ कल हेडिंग में आ जाएगा। हाँ इसलिए कृष्ण को और चिंता हो गया, कृष्ण का भक्त है ना, कृष्ण का भक्त मर गए तो कृष्ण का प्रति क्या कहता, बोले अर्जुन उठो विश्व मत उठो, बोले चलो, क्योंकि दुर्योधन को कभी अर्जुन ने कभी उनको बचाया था, उनको चित्रगुप्त चित्रगुप्त कभी बांध कर ले जा रहे थे वहां से बचाया था, उसने कहा था मैं तेरे को एक वर दूंगा, अर्जुन का समय आने पर मैं ले लूंगा, बोले चलो दुर्योधन से पोशाक मांग कर लाओ, और पोशाक मांग करके तुम पितामह भीष्म के पास में जाओ, बोलो आप पितामह होकर क्यों पांडवों को मारोगे, आपको बदनामी होगा, ये पांच बाण मेरे को दे दो। उसका ड्रेस पहन लिया ना पितामह भीष्म, ड्रेस ऐसे जो ड्रेस पहनेगा लगा ये शायद वही है, उन्होंने पांच बाण मांग कर लिया। फिर दुर्योधन थोड़ी देर बाद में गया, बाण कहा, बोले तुमने आया था तेरे को देते, बोले मैंने नहीं आया, बोले ओ दुर्योधन वो इसलिए मेरे पास में पोशाक को लेकर देने के लिए आया था, वो मेरे पोशाक पहन कर आगे लेके चला गया। देखो जो भगवान के चरण में शरणागत है, जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, समझो तुम्हारी एक बच्चा छोटा बच्चा अगर बिना खाए अगर सो गया, आप उसको सोने दोगे, उसको मार मार कर उठाओगे बच्चे को ना, तो मार मार कर उठाओगे, जब तक उसको खाना नहीं खिलाओगे ना तुमको चैन नहीं पड़ेगा। देखो क्यों, वो जो बच्चा है वो शरणागत तुम्हारी है, वो बच्चा तुम्हारा शरणागत है, शरणागत होने का नाते बच्चे को खाने पीने का कोई चिंता नहीं, लेकिन चिंता कौन करते हैं, पिता माता करते हैं, पिता माता करते हैं। उसी तरह जब हम कृष्ण को शरण में आ जाएंगे ना, जब हम भगवान की शरण में आ जाएंगे, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं, चिंता कौन करेगा, कृष्ण करेगा। ये शरणागति की इतने लाभ है, इतने लाभ है शरणागति, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, रोज घर में तुलसी को आरती करना, भगवान को दिखाकर तुलसी की आरती, तुलसी परिक्रमा, तुलसी में पानी देना रोज, और रोज ये जय ध्वनि देना, और भजन गाना, गुरु वंदना करना रोज, कुछ भजन जो गौड़ी गीत कुछ है ना, उसमें महाप्रभु का एक, नित्यानंद प्रभु का एक, जय राधे जय कृष्ण एक, हरे हरे रोज सवेरे, और अगर कोई भक्ति ग्रंथ जैसे हो ना, भगवद गीता हो जैसे गुरु जी का कोई ग्रंथ हो, थोड़ी सी पढ़ो, एक घंटा पूरा भजन के लिए दो, और जीवन में सुखी केवल इसको द्वारा हो गए, और पैसा कमा करके सुखी नहीं बनोगे, और सुखी बनोगे भक्ति को द्वारा। पृथ्वी में कोई चीज तुमको सुखी नहीं दे सकता है, मटेरियल चीज कभी सुख नहीं दे सकता है, वो दे सकता है स्पिरिचुअल थिंग में सुख दे सकता है। इसलिए एकदम कपड़े में अच्छे तरह से बांध करके ले जाओ, ये सवेरे एक घंटा पूरा के पूरा हम ये भजन करेंगे, फिर अपना काम में जाएंगे, ठीक है ना। ललिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, आरती आरती करो, आरती आरती कौन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, आरती कौन करने वाले, बोल जोर जोर, राम हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे
गोविंद दया से बोलो पारे राधे गोविंद दया से बोलो पारे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे शिवा जय जय गोरा चांदेर आरती को शोभा शिवा जय जय गोरा चांदेर आरती को शोभा जाना भी पाका भानी जग मना लोभा जग भी पाका Thank you.
Hare Rama,
Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram
Hari 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 Hari
महाभाग श्री गौर किशोरदास जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय। जगरादास जी महाराज की जय। श्री गौर विराट आचार्य भक्त देव विद्याभूषण प्रभु की जय। रस आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामनाथ प्रभुराय की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय लोक सनातन भद्रनाथ श्री जी गोपाल भद्रदास गोस्वामी प्रभु की जय। श्री नवदी ब्रज मंगल धाम की जय। द्वादश वर्ष ब्रज मंदिर धाम परिक्रमा की जय। श्याम कुंद रानकुंद जुमन गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जगरात भंग सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैश्य वृंद की जय। साम गत भक्त वृंद की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मी वैष्णवे शोभ पुण्यम स्वराज विश्वास नैव जायते सैया विद्यजाल गोविंदिया कंपाल दिवकुल विषय सागरे परम दिवायति लोभ मोहि सुदुर्मति ताके चित्त कोटि न संसगे कृष्ण भव दयामय भोगी भाग जीव जाय स्वाप साधन दिलो भाय अमृत पाव भगवान कृष्ण गुण गाय प्रेम तत्व चैतन्य निताय प्रेम भोगे दाखरे दया निताय चैतन्य बोले प्रेम भोगे दाखरे जय निताय जय गो जय निताय जय गो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। महाप्रसाद की जय। आज के आनंद की जय। श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय। Oké, maar het heeft echt gezegd dat jullie 1 uur lang 's ochtends alles moeten doen. En daarvoor is speciaal dit boek gemaakt. Hierin staan alle kirtans, daily kirtan handboek, alle kirtans, ochtendkirtans, middagkirtans, alles staat hierin. Dus als jullie deze iedere dag doornemen, dan komen jullie er nog. Hey, boy.